हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IFS। स्वागत है आपका अपने चैनल के ऊपर UGC NET ज्योग्राफी। तो IFS एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो कि CSIR, UGC NET, RPSC, CUET, GATE एंड वेरियस अदर कम्पिटिटिव एग्जाम, जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स मोस्टली लोग अपेयर करते हैं उनमें और उनमें कैरियर बनाना चाहते हैं, तो वो सारे के सारे कोर्सेज IFS ऑफर करता है। उसके लिए आपको IFSonline.com पर जाना होगा और वहां पर रजिस्टर करके जो भी कोर्सेज आप लेना चाहते हैं आप अपना कोर्सेज देखिए और एनरोल कर सकते हैं। साथ ही साथ उसमें क्या मिलेगा आपको कि आपको फ्री में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, MCQs, स्कॉलरशिप टेस्ट्स होते हैं जिससे कि आपको स्कॉलरशिप भी मिल सकती है IFS के लिए, और भी जो भी मॉक टेस्ट होते हैं या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन होती है सिलेबस से रिलेटेड या फिर कोई एग्जाम्स एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड, वो आपको यहाँ से मिल जाता है। और ये हो पाता है हमारे एप्लीकेशन के थ्रू। आप जो एप्लीकेशन, आपको पता है सभी लोग आप अब स्मार्टफोन्स यूज करते हैं, तो इसलिए एंड्रॉयड, iOS और विंडोज तीनों तरह के प्लेटफॉर्म्स पर हमारा एप्लीकेशन फ्री के अंदर आपको हाई क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करवाता है इंस्टेंटली। बस आपको देखिए ये नंबर है, यहाँ पर आपको नंबर डालना है, OTP सेंड करना है, आपका नंबर डालना है, OTP आएगा, उसमें OTP एंटर करके आप कर सकते हैं। तो या तो आप वेबसाइट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं या फिर एप्लीकेशन के थ्रू एक्सेस करते हैं। नाउ आप इसमें तैयारी कर सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी के लिए, ठीक है। नाउ और ये कैसे हो पाता है, मतलब ये हम लोग कैसे अचीव कर पाते हैं, हमारे रिजल्ट 1000 प्लस जून 2023 के अंदर जो एग्जाम हुआ था तो उसमें 1000 प्लस जो IFS की स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है, किसी को GRF मिली है, किसी को नहीं मिले तो उसका नेट क्लियर हो चुका है। तो ये पॉसिबल है हमारी एक्सपर्ट टीम्स की वजह से, आकाश सर, नवरतन सर, सिद्धार्थ सर, सुमित सर, सौरव एंड पवन एंड द न्यू टू न्यू फैकल्टीज आर कमिंग। वो उन ये जो टीम है ये आपको पूरी तरह से एक्सपर्ट टीम है, सबका नेट है ऑलरेडी और एक्सपीरियंस्ड है, बहुत सालों से पढ़ा रखा है, तो ये जो एक्सपर्ट टीम है आपको अपने मंजिल तक पहुंचा सकती है और उन्हीं में से एक मेंबर मैं हूं। आप मेरा क्वालिफिकेशन डिटेल्स देख सकते हैं। ओके, अब हम ये जो वीडियो है इसका पर्पस क्या है, देखो इसका नाम मैंने दिया है भूमि बोध सीरीज। भूमि बोध जो ज्योग्राफी से रिलेटेड, क्योंकि हमें जो हमारे अर्थ जो है, जियो मतलब अर्थ, तो भूमि का हमें बोध होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने एक सीरीज चालू की है, उसमें ये बताया जाता है कि ज्योग्राफी मतलब ज्योग्राफी के थीम्स, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताऊं कि कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी, मतलब कॉन्टिनेंट्स किस तरह से ड्रिफ्टिंग किया, प्लेट टेक्टोनिक्स, कौन से फोर्सेस काम करते हैं, एग्जोजेनेटिक एंडोजेनेटिक फोर्सेस, इनके बारे में हम लोगों ने जाना। और फिर बाद में हमने कल पढ़ा था अर्थक्वेक्स के बारे में, वेदरिंग के बारे में पढ़ा था कि किस तरह से इरोजन होता है, वेदरिंग होती है, अर्थक्वेक भूकंप के बारे में पढ़ा था। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज हम लोग वोल्केनो के बारे में पढ़ेंगे, लैंडस्लाइड्स के बारे में पढ़ेंगे और एवलांचेस के बारे में आपको जानकारी मिलेगी, और उसमें से किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको बताए जाएंगे। तो इस तरह से क्या होगा, आपकी एक तरह से प्रिपरेशन भी होते हुए चल रही है, तो अगर आप हमारे लाइव लेक्चर्स देख रहे हो तो हमसे इंटरेक्शन भी कर सकते हो, जिससे कि आपको कुछ डाउट हो आप इंस्टेंटली कर सकते हो। तो इसी को आगे बढ़ाते हैं, देखिए अर्थक्वेक, वोल्केनोज, लैंडस्लाइड, एवलांचेस, ये सारे के सारे क्या है, ये नेचुरल डिजास्टर्स। और नेचुरल हजार्ड्स और नेचुरल डिजास्टर्स में डिफरेंस ये होता है कि जो हजार्ड्स होते हैं वो लो पॉपुलेशन, कम पॉपुलेशन जहां होती है उसको इफेक्ट करते हैं, अगर सिग्निफिकेंट डैमेज नहीं हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर को या फिर ह्यूमन लाइफ को तो वो हजार्ड्स में आते हैं, और वही अगर हजार्ड्स किसी बड़े का रूप ले लें, ज्यादा लॉस ऑफ लाइफ हुई है, ज्यादा लॉस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ है, इन्वायरमेंट को ज्यादा नुकसान पहुंचा है, तो वो उसको डिजास्टर्स कहते हैं। तो हजार्ड्स और डिजास्टर्स में अगर आपके सामने क्वेश्चंस आ जाए किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, सेट, नेट, CUET, व्हाटएवर एग्जाम्स, तो उसमें आपको ये डिफरेंस पता होना चाहिए। ओके, नाउ अब नेचुरल डिजास्टर क्या है, जो कि नेचुरल फोर्सेस के द्वारा जो है कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स होते हैं उनको कहा जाता है। अब देखिए आगे, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे कि वोल्केनो क्या है,
वोल्केनो के डिफरेंट डिफरेंट टाइप, दैट डिफरेंट टाइप ऑफ इरप्शंस दे कैन हैव, मतलब जब वो इरप्ट होते हैं तो अलग अलग होता है, कोई तो क्या कि बहुत ऊंचा ऊंचाई में जाता है, कोई नॉर्मल फ्लो होता है मैग्मा जो लावा का, तो किसी किसी में क्लाउड्स आते हैं, किसी में नहीं आते हैं। तो ये इरप्शंस के कितने प्रकार होते हैं उनके बारे में जानेंगे, और वॉल्केनिक इरप्शन के दौरान जो मटेरियल्स रिलीज होते हैं, एशेज, गैसेस, जो डेब्रीज हो गई, लावा, तो ये सब के बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या रिलीज होता है वॉल्केनिक इरप्शन से। ठीक है नाउ, और फिर आज हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोगों को वॉल्केनिक जो इवेंट्स होती हैं उसमें हम लोग कैसे हम खुद को प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वोल्केनोज के बारे में हम लोग जानेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप जुड़े रहिए सब लोग। चलिए देखो, तो सबसे पहले तो बात करते हैं रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर क्या होता है? रिंग ऑफ फायर इज ए होर्सशू शेप्ड बेल्ट ऑफ इंटेंस वोल्केनिक एक्टिविटी। ये दिख रहा है आपको, ये घोड़े की एक तरह से जो पैर होता है उसकी तरह है, एग्जैक्ट सेम उसी तरह का फॉर्मेशन है। तो ये पैसिफिक ओशन के अराउंड है। किसके अराउंड है? पैसिफिक ओशन के अराउंड, समझ में आया? पैसिफिक ओशन के अराउंड है, और यहां पर आपको दिख रहे हैं ये सारे जो रेड रेड डॉट्स हैं, वो ये डॉट्स है कि यहां पर वोल्केनो सबसे ज्यादा एक्टिव है। तो सबसे ज्यादा 75% से, कहीं कहीं 75 लिखा हुआ है, कहीं कहीं 90% लिखा हुआ है। तो 75 से लेकर 90% के जो वर्ल्ड के एक्टिव वोल्केनो है, जहां पर इरप्शन हो रहे हैं, अभी भी हो रहे हैं, तो वो सारे के सारे रिंग ऑफ फायर में मौजूद है, मतलब जो फायर की जो रिंग सी बनी हुई है उसमें। ठीक है, अब देखते हैं आगे। ये देखो, अलग अलग तरह की ट्रेंचेस का निर्माण होता है, ट्रेंचेस का निर्माण होता है कन्वर्जन बाउंड्री से, आगे हम पढ़ेंगे, डोंट वरी। तो ये अलग अलग तरह की ट्रेंचेस हैं, अलूशियन, क्यूरील, जापान, बोनिन, रियुक्यू ट्रेंच, फिलिपीन ट्रेंच, सुंडा ट्रेंच, बहुत, ये सारे के सारे कहीं ना कहीं कोई ना कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जरूर पूछे गए हैं सारे के सारे ट्रेंचेस, कि कौन से कंट्री के कोस्ट पे मौजूद है, या फिर ओशन का नाम पूछ लेंगे कि ये ट्रेंच जो है ये कहाँ पर स्थित है, कौन से ओशन में स्थित है। ठीक है, तो ये आपको जरूर आपको याद रखना है। चलो, उसके बाद में कौन कौन से कंट्रीज आते हैं रिंग ऑफ फायर के अंदर? देखो, नॉर्थ अमेरिका के अंदर, नॉर्थ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है उसके अंदर अलास्का यूनाइटेड स्टेट्स में रिंग ऑफ फायर के अंदर आता है, कनाडा आता है, सेंट्रल अमेरिका जो है वहां पर मेक्सिको, ग्वाटेमाला, एल सेल्वाडोर, निकारागुआ, कोस्टा रिका और पनामा, ये आते हैं रिंग ऑफ फायर इसके अंदर। उसके बाद में साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका में कौन से कंट्रीज आते हैं? चिली, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, बोलिविया, अर्जेंटीन। ऑल राइट, देन कम्स द एशिया। एशिया में कौन कहां कहां पर एक्टिव वोल्केनोज है? रशिया, जापान, इंडोनेशिया, फिलीपींस एंड न्यूजीलैंड। एंड फिर आता है ओशनिया, न्यू गिनी, सोलोमन आइलैंड्स एंड न्यू कैलेडोनिया। तो ये सारे के सारे कंट्रीज रिंग ऑफ फायर के अराउंड जो मौजूद हैं, और यहां पर एक्टिव वोल्केनोस पाए जाते हैं। ठीक है, नाउ वोल्केनोस आर ओपनिंग्स इन अर्थ क्रस्ट थ्रू विच मोल्टन रॉक गैसेस एंड अदर मेटेरियल्स आर रिलीज्ड फ्रॉम डीप विद इन अर्थ। अब अपन ने जान लिया कि ये सब होता है, रिंग ऑफ फायर जानना जरूरी था, बिकॉज हमें पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली एक्टिव वोल्केनोस अभी कहां है। तो वोल्केनोस आर ओपनिंग्स इन अर्थ क्रस्ट, क्या होती है वोल्केनोस एग्जैक्टली, होता क्या है? ज्वालामुखी। ज्वालामुखी नाम में ही, जैसे हिंदी के अंदर बहुत ही स्पष्ट इसमें लिखा हुआ है, ज्वाला का मुख, मतलब ज्वालामुखी। तो अर्थ की क्रस्ट को चीर करके, मतलब उसको ओपनिंग, वहां पर मोल्टन रॉक गैस और अदर मेटेरियल्स रिलीज होते हैं धरती के बहुत डीप से, तो उसको कहा जाता है वोल्केनो। वोल्केनोज कैसे बनते हैं? वोल्केनोज आर फॉर्म्ड व्हेन मोल्टन रॉक कॉल्ड मैग्मा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैग्मा पूछ लेंगे, मैग्मा इज व्हाट? तो मैग्मा मोल्टन रॉक होती है, रॉक्स जो होती है ना मोल्टन फॉर्म में होती है, वैसे तो सॉलिड फॉर्म में होती है, बट इतनी ज्यादा हीट और प्रेशर रहता है नीचे, तो उसकी वजह से मोल्टन रॉक्स रॉक्स जो है वो मेल्ट हो जाती है। फिर अब ये जो मोल्टन रॉक है, आप सोचिए, एक तो रॉक है, एक मोल्टन फॉर्म में है, तो वो क्या करेगी? वो ऊपर होने ऊपर जाने का ट्राई करेगी, बिकॉज क्योंकि नीचे है, वो पानी के संपर्क में जब आती है तो जो रॉक्स हैं वो उनका मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है, आपको पता है। तो रॉक सॉरी लिक्विड और सॉलिड में से जो है कौन ज्यादा बायोंट कौन होगा? बायोंट का मतलब होता है कि ज्यादा अनस्टेबल कौन सा रहेगा
लिक्विड वाला रहेगा तो वो ऊपर आने की ट्राई करता है, लिक्विड वाला पोर्शन उसको मैग्मा कहते हैं। तो ये जब मैग्मा सरफेस के ऊपर आता है, और मैग्मा कहां से आता है, अर्थ की मेंटल से आता है। आपको मैं फोटो दिखाऊं, देखो ये मेंटल है अर्थ, दिस इज मेंटल, ठीक है। तो मैग्मा अर्थ की मेंटल से आता है जहां पर, और फ्रॉम सबडक्शन जोन्स। अभी सबडक्शन जोन्स क्या होते हैं मैं आगे बताऊंगा आपको, सबडक्शन जोन्स क्या होता है। अभी के लिए ये बता दूं कि जब प्लेट टेक्टोनिक्स होती है ना, अपन ने पहले पढ़ा था कि प्लेट कैसे मूव करती है, तो प्लेट टेक्टोनिक्स तीन तरह से मूव करती है। या तो दोनों भिड़ जाए कोलाइड होके, तो हल्की वाली तो वो तो ऊपर चली जाएगी, और जो ऊपर तो क्या मतलब इस तरह से अगर होगा तो जो डेंस होगी, जो भारी होगी, वो नीचे की तरफ सबडक्ट करेगी, उसको सबडक्शन जोन कहते हैं। तो जब ये सबडक्ट होगी, तब ये जो पोर्शन जा रहा है उसका नीचे की तरफ जो पोर्शन जा रहा है वो रॉक, सॉलिड रॉक है। अब वो नीचे जब मेंटल के अंदर जाएगा तो ऑलरेडी वहां पर जो मैग्मा मौजूद है हीट के कारण, तो वो जो नई रॉक गई है वो भी मेल्ट हो जाएगी। इसकी वजह से क्या होगा, वहां पर खूब सारा वो मैग्मा हो जाएगा और वो सरफेस के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो ये सबडक्शन जोन्स कहलाते हैं। देखो तो वोल्केनो के कितने प्रकार होते हैं, मतलब प्रकार क्या, पार्ट्स। वोल्केनो के एक प्रकार पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से प्रकार है देखिए, पार्ट्स है, मैं अगेन प्रकार बोल रहा हूं, पार्ट्स। तो फर्स्ट होता है क्रेटर, जहां पर वोल्केनो निकलता है, मतलब इस तरह से जैसे रिलीज होने वाला, तो जो ओपनिंग होती है ना, ठीक है ना, क्रेटर क्या होता है आपने देखा हो ना, इस तरह से क्रेटर ऐसे होता है क्रेटर, और एक डीप एक यहाँ डेप्थ होती है। तो सेम कंडीशन वोल्केनो की है, वोल्केनो के ऊपर वो है क्रेटर होता है, और जब वो क्रेटर से लावा फ्लो करता है, उसको क्या कहते हैं, जो वो मैग्मा निकल रहा है ऊपर से, तो जैसे वो सरफेस पर फ्लो करता है तो उसको लावा का नाम दे दिया जाता है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन लावा एंड मैग्मा। मैग्मा अर्थ के सरफेस में जो रहता है वो है, और जैसे ही वो सरफेस पर आकर फ्लो करता है तो फिर वो लावा कहलाने लग जाता है। और मैग्मा के अंदर सब तरह की चीजें होती हैं, सरफेस पर आकर उसका डिफरेंशिएशन हो जाता है, अलग अलग चीजें उसमें तय कर देते हैं। जैसे कि अगर जो ये आपको रेड रेड एकदम हॉट जो मैग्मा फ्लो करता हुआ दिखता है उसको लावा कहते हैं, और जब वो मैग्मा इरप्ट होता है तो उसमें जो गैसेज निकलती हैं, क्लाउड्स निकलते हैं, उसको एश क्लाउड्स कह देते हैं। फिर कंड्यूट क्या होता है, कंड्यूट का मतलब होता है जो ये पाइप दिख रही है आपको, ये जो पाइप दिख रही है ऊपर से जा रही है नीचे से, इसको कंड्यूट कहते हैं, कंड्यूट। इनकी डेफिनेशन भी लेंगे आगे अपन, डोंट वरी। और ये जो कोनलाई स्ट्रक्चर है, नॉर्मली ऐसे नहीं कि फ्लैट प्लेन्स पे इरप्शन हो गया, नॉर्मली क्या होता है माउंटेनियस फॉर्म्स होती हैं उनपे इरप्शन ज्यादा होते हैं, तो इसको कहेंगे कोन। ये कोन शेप है तो इसको कोन कह दिया। मैग्मा चैम्बर आपको दिख रहा है, मैग्मा चैम्बर मतलब जहां पे जो मैग्मा है वो स्टोर होता है ना नीचे की तरफ, इसको कहते हैं मैग्मा चैम्बर। देन कम्स द सिल, सिल का मतलब होता है कि एक जो चीज थी वो इधर गई और वो पूरी तरह से निकल नहीं पाई बाहर, वो यही रह गई, ठीक है ना, वो यही रह गई, तो वो है सिल। और फ्यूचर में क्या होता है कि ये इरप्ट हो सकता है ड्यू टू मोर टेक्टोनिक एक्टिविटीज, यहां पर जो मैग्मा कलेक्ट हो रहा है ये यहां से भी निकल सकता है, इसको फिशर कहते हैं। क्या कहेंगे, फिशर, अगर ये यहां से ब्लो आउट हो जाए तो, ठीक है। और जो अब आगे आपको वोल्केनो के टाइप बताऊंगा, तो इस तरह के वोल्केनिस भी होते हैं कि ये तो निकल ही रहा है, इरप्ट हो रहा है, साइडों में से भी इरप्ट हो रहा है, और वो बड़े डेंजरस होते हैं, बिकॉज हमें पता रहता है कि ये वाला कितना ऊंचा जा सकता है, बट इनका कुछ पता नहीं कि कहां से निकल जाए सिल का, ठीक है। तो ये अपने कुछ पार्ट्स हो गए वोल्केनो। अब देखो इसमें थोड़ा सा डिटेल दे रखा है कि मैग्मा चैम्बर जहां पर मैग्मा स्टोर होता है, मैंने बता दिया आपको। एश क्लाउड्स क्या होते हैं, जो छोटे छोटे जो रॉक के फ्रेगमेंट्स होते हैं ना, डस्ट हो गई, गैसेस हो गई, तो ये सब एयर में रिलीज होता है तो उससे क्लाउड फॉर्मेशन होता है, इनको पायरोक्लास्ट, पायरोक्लास्ट क्लाउड्स भी कहा जाता है, पायरोक्लास्ट क्लाउड्स, समझ में आ रहा है, पायरोक्लास्ट क्लाउड्स। ये बड़े डेंजरस होते हैं क्योंकि इसके अंदर मिक्सिंग होती है, गैस मिक्सिंग, फ्रेगमेंट्स, डस्ट और डेब्रिस, तो ये बड़े डेंजरस होती है कि इसके रस्ते में जो भी आता है उसको वो खत्म करते हुए चलते हैं, और ये बहुत ज्यादा टेम्परेचर भी हाई रहता है इनका। उसके बाद कंडुइट, मैंने बता दिया, पाइप लाइक जो स्ट्रक्चर होती है जो कि मैग्मा चेंबर से सरफेस को जोड़ती है, ठीक है। फिर आगे सिल, सिल क्या है, फ्लैट रॉक फॉर्मेशन दैट फॉर्म्स व्हेन मोल्टन मैग्मा कूल्स एंड सॉलिडिफाइज इन ए क्रैक और फिशर।
मतलब ये जो सिल बताया था ना मैंने, सिल, तो सिल क्या होता है, साइड में से निकलता है और वो वहीं क्या कि कूल हो जाता है, निकल नहीं पाता है बाहर, तो वो होता है सिल, SIL. क्रेटर, बाउल शेप्ड डिप्रेशन एट द टॉप ऑफ वॉल्केनो, वॉल्केनो के ऊपर बाउल शेप का जो डिप्रेशन हो जाता है, क्रेटर जिसको कहा जाता है, वो इसकी डेफिनेशन है. फिर आता है कोन, स्टीप कॉनिकल हिल. ये कॉनिकल हिल दिख रही है ना आपको पीछे, तो ये स्टीप कॉनिकल हिल और माउंटेन फॉर्मड बाय लेयर्स ऑफ वॉल्केनिक मेटेरियल, मतलब वॉल्केनिक मेटेरियल्स के, पहले ये छोटा था, फिर मैंने वॉल्केनो इरप्ट हुआ तो लावा फ्लो के फिर ये और ऊपर हो गया, फिर और ऊपर हो गया. तो ये एक एक लावा का नहीं है, ये जो चीज है वो एक लावा से नहीं बनी है, वो धीरे धीरे इरप्शन होता गया और ये ऊंचा होता गया होता गया, इस तरह से. ये ऐसे वॉल्केनिक माउंटेन्स होते हैं. जो वॉल्केनिक आइलैंड्स होते हैं वो भी ऐसे ही होते हैं. पहले वॉल्केनिक आइलैंड्स पहले जमीन के अंदर थे, जैसे अंडमान निकोबार है वो एक वॉल्केनिक आइलैंड है, वो पहले इसमें नीचे था, मतलब जमीन ओशियन फ्लोर्स के अंदर इरप्ट हुआ था, तो वहीं जाके रह गया. धीरे धीरे उसी के अंदर इरप्शंस होते गए और वो एक बार ऐसा, मतलब धीरे धीरे देखा हुआ सरफेस के ऊपर आ गया, और आज जो अपन को आइलैंड दिख रहा है तो वो उसी का एक प्रकार है, वॉल्केनिक जो है एक्टिविटी का वो प्रकार है. लावा मोल्टन रॉक दैट फ्लोज फ्रॉम वॉल्केनो ड्यूरिंग एन इरप्शन. जो मोल्टन रॉक्स, जो मतलब मोल्टन भाई, ये जो लावा, जो वॉल्केनिक आया, जो ये माउंटेन होते हैं ये वाले, ये बने कैसे? तो क्या होता है कि वो जो लावा होता है वो मोल्टन रॉक्स ही होती है, तो जैसी वो बाहर आती है, वो जितनी दूर तक फ्लो कर सकती है, उसके बाद में वो वहीं पर ठहर जाती है, तो इस तरह से माउंटेन्स क्रिएट हो जाते हैं. नाउ वोल्केनो के बारे में जान लिया, उसके पार्ट्स क्या होते हैं उनके बारे में जान लिया, अब अपन जानते हैं कि क्या क्या टाइप्स होते हैं वोल्केनो. तो वोल्केनो के टाइप्स क्या होते हैं, देखो तीन तरह के वोल्केनो मेन होते हैं, इसमें तो चार लिखा रखे हैं. एक तो है कंपोजिट वोल्केनो, एक तो शील्ड वोल्केनो, एक कंपोजिट वोल्केनो और एक सिंडर कोन वोल्केनो. ये वाले वोल्केनो मेन होते हैं, और जो सिंडर कोन का एक प्रकार होता है लावा डोम ना, इसको अलग से लिख लिया जाता है क्योंकि ये थोड़ा हाइट में छोटा होता है इसलिए, सॉरी लावा डोम है वो कंपोजिट वाले के ही अंडर में आता है. कंपोजिट वोल्केनो को स्ट्रेटो वोल्केनो भी कहा जाता है, तो ये दिमाग में रखना ये बात को अपने. अब देखो सबसे पहले हम जानते हैं शील्ड वोल्केनो के बारे में. शील्ड वोल्केनो ये दिख रहा है आपको, मतलब ये क्या है, एक वॉरियर की जो शील्ड होती है, मतलब ये जो वॉरियर की शील्ड है इसके तरह का ऊपर वोल्केनो शेप होता है उसका, वॉरियर की शील्ड की तरह. ये बहुत ही जेंटल, देखो क्या होता है, पहली बात तो है ब्रॉड होता है उसका जो मुंह होता है वो ब्रॉड होता है, जेंटली स्लोपिंग वोल्केनो आपको दिख रहा है, एकदम कोनिकल आकार का नहीं है, बड़ा ही जेंटल है. आपको मैं पूरी तरह से दिखाता हूं, आराम से देख लो. अब देखिए दिख रहा है, स्लोप बहुत जेंटल है इसकी, एकदम इस तरह से नहीं है, तो जेंटल स्लोप हो गई. ब्रॉड इसका जो है माउथ, इस तरह का जो वॉरियर की जो शील्ड होती है, देखो वॉरियर की शील्ड है इस तरह का, और जो कूल लावा होता है उससे बनते हैं ये, जो लावा कूल होता रहता है उससे बनता है. इरप्शन की स्टाइल कैसी है, जो शील्ड वोल्केनोज होते हैं उनकी इरप्शन स्टाइल किस तरह से होती है, नॉन एक्सप्लोजिव. नॉन एक्सप्लोजिव का मतलब है आराम से ये एक्सप्लोजन नहीं करते हैं, क्या नहीं करते हैं, एक्सप्लोजन नहीं होता है, नॉन एक्सप्लोजिव होते हैं, आराम से शांति से क्वाइट जो है ये इरप्शन होता है. एफ्यूसिव इरप्शन विद द आउटपोरिंग ऑफ लावा फ्लोज, सेम है कि एक्सप्लोजिव नहीं होता है, बस यही मीनिंग है कि इसका जो है एग्जाम्पल क्या है, मोनालोआ एंड किलायू इन हवाई और माउंटेन एटनाइन इटली, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ शील्ड वोल्केनो. याद रह जाएंगे, मोनालोआ हवाई के अंदर है और माउंट एटना इटली के अंदर है, दीज आर द टाइप्स ऑफ, These are the examples of shield volcanoes. Got the point? और shield का नाम क्यों रखा गया है, क्योंकि इनका जो
ये जो ओपनिंग होती है शील्ड की तरह होती है। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड वन। सेकंड इज सिंडर कोन वोल्केनो। ये आपको दिख समझ में आ रहा है, यू नो द साफ साफ दिख रहा है ना डिफरेंस। जो शील्ड वोल्केनो बड़ा जेंटल था, उसकी स्लोप्स बड़ी जेंटल थी। अब ये खुद देखो सिंडर कोन एकदम ट्रेंगुलर शेप में हो रखा है, तो स्टीप साइडेड ये दिख रही है। दीज आर द स्टीप साइड, स्टीप साइडेड कोनिकल कोन शेप में है, तो इसको कोनिकल वोल्केनो है ये। और एक्सप्लोजिव इरप्शंस होते हैं किसके, ऐश के, सिंडर्स एंड डस्ट। मतलब इसमें ऐश, डेब्रीज, डस्ट ये सब निकलती है इसके अंदर। तो ये अपना डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन हो गया सिंडर कोन वोल्केनो का। इरप्शन की स्टाइल किस तरह से होती है पहले ही बता चुके हैं। जो इरप्शन होता है वो एक्सप्लोजिव होता है, किस तरह से, बहुत ही एक्सप्लोजिव, बहुत ऊंचाई में जाता है सिंडरकोन वोल्केनो। स्टार्टिंग में हम लोगों ने देखा था, देखिए फील्ड वोल्केनो है, देखो कितना जेंटल स्लोप है, दिख नहीं रहा होगा ये, देखो कितना इसका जेंटल स्लोप है फील्ड का। और वही आप सिंडरकोन देखो ये वाला, बहुत ऊंचाई में और बहुत दूरी तक इसकी फैलाव होता है इसका सिंडरकोन का। उसके बाद में एक्सप्लोजिव इरप्शन होता है दैट इजेक्ट फ्रेगमेंट्स ऑफ लावा एंड वॉल्केनिक ऐश इन टू द एयर। एयर के अंदर वॉल्केनिक ऐश और लावा को, लावा के जो फ्रेगमेंट्स होते हैं वो है, दूर ऊंचाई तक और विड्थ भी खूब होती है। एग्जाम्पल क्या है, पेरिक्यूटिन इन मेक्सिको एग्जाम्पल्स हैं ये सिंडरकोन वोल्केनोज के, और सनसेट क्रेटर इन एरिजोना यूएसए। सनसेट क्रेटर और पेरिक्यूटिन इन मेक्सिको, दीज आर द टाइप्स ऑफ सिंडरकोन वोल्केनो। Now let's move to the third one. Third one is composite or stratovolcano. तो याद रखिए कि stratovolcano जो होता है उसी का नाम दूसरा composite कहा जाता है। और ये क्या है, एकदम symmetrical होते हैं, tall लंबे बहुत होते हैं, cinder cone से भी लंबे होते हैं, और इनकी जो layers होती हैं वो lava flow और मतलब lava से, देखो सारे जो volcanoes की layers होंगे ना वो तो lava से ही बनेंगी, और किससे बनेंगी, और वोल्केनिक ऐश से बनती है इन कंपोजिट वोल्केनो। कैन हैव बोथ एक्सप्लोजिव इरप्शन एंड इफ्यूसिव इरप्शन, मतलब शांत वाले और इरप्शन वाले, मतलब एक्सप्लोजिव इरप्शन वाले और शांत इरप्शन, दोनों तरह के इरप्शन हो सकते हैं किसके अंदर, कंपोजिट स्ट्रेटो वोल्केनो के अंदर। एग्जाम्पल देखिए माउंट फ्यूजी इन जापान बहुत पॉपुलर है, और माउंट सेंट हेलेंस इन यूनाइटेड स्टेट ये भी बहुत पॉपुलर है। आज हमने इसी की केस स्टडी लेंगे, माउंट हेलेंस की केस स्टडी हम लोग लेंगे, ठीक है। और इस सबसे ज्यादा डेंजरस वोल्केनो है कंपोजिट वोल्केनो। इस तरह से डेंजरस है, देखो इस तरह से सारे वोल्केनो है वो एक कंड्यूट से बहते हैं, बट ये देखो कंपोजिट वोल्केनो, देखो ये कंड्यूट से तो आ ही रहा है, साइड के अंदर इसमें जो फिशर्स के थ्रू भी, तो ये मल्टी जो है इरप्शंस होते हैं इसके अंदर, इरप्शंस फाइन, क्योंकि कहीं से भी कंड्यूट है वो जो है एक साइड में एक ब्रांच लेकर और इस तरह से फ्लो हो सकता है। तो ये इसमें क्या है कि जो रिस्क होता है वो बहुत हाई होता है। नाउ तो ये अपना कंपोजिट हो गया। उसके बाद में जो लावा डोम वोल्केनो, ये क्या होते हैं, लावा डोम वोल्केनो आर फॉर्म्ड व्हेन थिक एंड स्टिकी लावा एक्यूमुलेट्स अराउंड द वोल्केनिक वेंट। देखो किस तरह से, ये देखो ये लावा इरप्ट हुआ और ये जो लावा है बहुत ज्यादा थिक है और स्टिकी है, तो ये यहीं पर रह जाता है, पूरी तरह से फ्लो नहीं हो पाता है। ये देखो और सारे नीचे तक आ रहे हैं, ये नीचे तक आ रहा है, बट लावा डोम वाला जो इरप्शन होता है वो वहीं पर ऊपर ही रह जाता है नॉर्मली, बिकॉज बहुत ज्यादा स्टिक होता है, थिक होता है, तो वो इतना ज्यादा फ्लो नहीं कर पाता है लावा डोम। अब इससे क्या होता है कि जो लावा है वो जो ओपनिंग होती है ना उसी के पास रह जाता है, किसके पास रह जाता है, लावा डोम वोल्केनो, वो इरप्शन होने के बाद में वहीं पर एक्यूमुलेट हो जाता है, ठीक है। जो बच्चे लाइव देख रहे हैं कमेंट कीजिए कि कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप कर सकते हो, और कुछ इसको जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज 11 बजे इसी तरह का इंटरेस्टिंग सेशन आता रहता है ज्योग्राफी के ऊपर। और RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपको RPSC IFAS YouTube चैनल है, वहां पर ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान पढ़ाई जाती है, ठीक है। चलो
अब मान लो ये लावा वहीं पर कूल डाउन हो गया, आया और वहीं पर ही कूल डाउन हो गया, यहां पर कूलिंग हो गई इसकी, तो इसके अंदर जो गैसेस होती है ना वो रिलीज नहीं हो पाती है, ठीक है ना। ये जो गैसेस रिलीज होने वाली थी ये डोम स्ट्रक्चर की वजह से, लावा की थिकनेस की वजह से, वो जो गैसेस हैं वो क्या हो पाती है, डिफिकल्टी होती है उनको रिलीज होने में। और इसकी वजह से क्या, आप सोचो जो गैसेज वो प्रेशर लगा रही है कि हमको निकलने दो, बट वो निकल नहीं रहा है। तो ये प्रेशर है ये वोल्केनो में बिल्ड होता हुआ चलता है, और वेंट के अंदर से इस तरह का जो लावा होता है ना, लावा डोम्स होते हैं, वो बहुत ही स्लोली स्लोली निकलते हैं। इससे क्या होता है, जैसे ही बाहर निकला बिकॉज ऑफ द एटमोस्फेरिक कंडीशंस वो कूल डाउन हो गया, पहले ही बहुत धीरे से निकल रहे हैं और ऊपर से फिर बाद में वो कूल होते हुए चल रहा है, तो इस तरह से डोम शेप की स्ट्रक्चर बनती हुई चलती है वहां पर, ठीक है। और अब सोचो, अब ये जो डोम है कूल हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, बट किसी वजह से कुछ इसमें क्रैक्स आ गए, या किसी तरह से कोई और रीजन है, टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से उसमें कुछ भी रीजन से अगर वो इरप्ट हुआ तो बहुत ज्यादा इरप्शन होगा और उसमें जो प्रॉब्लम्स है वो बहुत ज्यादा होगी। रीजन क्या है कि इतना ज्यादा प्रेशर था और लावा का वेट बहुत है, क्योंकि वो डोम है वो वहीं पर होए जा रहा है, तो उसके वेट की वजह से और प्रेशर की वजह से ये बहुत ज्यादा वॉयलेंट हो सकते हैं कभी कभी। इसलिए लावा डोम वोल्केनोज को एक्सप्लोजिव वोल्केनोज के एक्सप्लोजिव इरप्शंस कहा जाता है, ठीक है। चलो तो ये अपन ने चार लावा कर लिए थे, अब ये तो वोल्केनो के प्रकार थे। अब हम जानते हैं कि वोल्केनिक इरप्शंस कितने प्रकार के होते हैं, जो ठीक है लावा तो वोल्केनो तो जान लिए, सिंडर कोन, कंपोजिट, और क्या क्या थे कमेंट में बताइए सब लोग भाई। एक तो हो गया शील्ड वोल्केनो, शील्ड जैसा, दूसरा हो गया सिंडर कोन, थर्ड इज कंपोजिट, एंड फोर्थ इज व्हाट, लावा डोम। नाउ लेट्स टॉक अबाउट जो इरप्शंस निकलते हैं उनके भी खूब प्रकार होते हैं, तो उन्हें जानते हैं हम लोग। पहली बात तो इरप्शंस होते क्यों हैं, कैसे होते हैं, देखो होता क्या है, ये देखो मैग्मा है यहां पर, ये पूरा मेंटल है, मेंटल अपनी क्रस्ट है, क्रस्ट के नीचे वाला पोर्शन जो लेयर है वो मेंटल कहलाता है, तो ये मेंटल के अंदर मैग्मा है, ओके। और मैग्मा यहां पर एक्यूमुलेट हो रहा है, ओके, और ड्यू टू एनी प्लेट टेक्टोनिक्स अगर इसे मौका मिल जाता है बाहर आने का तो ये इरप्ट हो जाता है, ड्यू टू एनी टेक्टोनिक एक्टिविटीज। इस केस में जैसे कन्वर्जेंट बाउंड्रीज होती है वहां ज्यादा आता है, और ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज, ट्रांसफॉर्म प्लेट टेक्टोनिक बाउंड्री और कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री पर ये ज्यादा होता है, जहां पर सबडक्शन होता है। डाइवर्जेंट बाउंड्री कौन सी, जहां पर दो बाउंड्री दूर जा रही है एक दूसरे की, दो प्लेट्स दूर जा रही है वो डाइवर्जेंट होती है, और जो दो प्लेट्स एक साथ आती हैं और एक सबडक्ट हो जाती है नीचे चली जाती है, और वो जो रॉक होती है वो सॉलिड होती है, मैग्मा में जाकर वो रॉक क्या हो जाती है, ये देखो ये दिख रहा है आपको सबडक्शन जोन, यहां पर जाकर मैग्मा की जो क्वांटिटी उसके अंदर बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाती है, ठीक है। और जब ये सब होता है तो पानी भी नीचे जाएगा, समझ रहे हो, जब कोई चीज इस तरह से जाएगी तो गैप तो बनेंगे ना, तो गैप बनेंगे तो पानी नीचे चला जाएगा, और पानी नीचे जाने से जो मैग्मा का मेल्टिंग पॉइंट है वो कम हो जाएगा, ठीक है ना, मैग्मा का मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा, उसके बाद वो ऊपर की तरफ बाउंस होगा ऊपर की तरफ, और ये देखो मैग्मा राइज हो गया, और राइज होने के बाद में ये इरप्शन हो गया इस तरह से। तो ऐसे जो है वोल्केनोज इरप्ट होते हैं, ठीक है। चलो अब हम जानते हैं कि वोल्केनिक इरप्शन के प्रकार क्या होते हैं, तो बहुत सारे इसमें जो है प्रकार है, ये देखो अब आप खुद देख के बताइए कौन सबसे ज्यादा डेंजरस है इसके अंदर। वल्केनियन, ये वल्केनियन तरह का इरप्शन है, इसको बोलते हैं, ये तरह का जो इरप्शन देखो फिशर के रूप में, मतलब पाइपलाइन के फॉर्म में है,
मतलब ये कंड्यूट है, ये नीचे से मैग्मा आया और इस तरह से हो गया, फैल गया, ऊपर की तरफ नहीं गया है, तो ये अलग तरह का मैग्मा, मतलब अलग तरह का इरप्शन होता है, इसको आइसलैंडिक इरप्शन कहा जाता है। जो फिशर फॉर्म में होता है ना, फिशर्स, ठीक है, समझ में आया। नाउ, और ये जो इस तरह का इरप्शन होता है वो हवाईयन इरप्शंस होते हैं, पढ़ेंगे इनके बारे में, डोंट वरी, हवाईयन इरप्शंस। अब देखो पहले के बारे में जानते हैं, ये प्लीनियन है, ये स्ट्रोम्बोलियन, ठीक है। अब देखो सबसे पहला जो है हम जानते हैं उसके बारे में, पहला है आइसलैंडिक इरप्शन। क्या है आइसलैंडिक इरप्शन? इस तरह के जो इरप्शन होते हैं, दिख रहा आपको, ये मेरे पीछे छुप गया, एक मिनट, हाँ अब देखिए, ये मैग्मा है, ये मेंटल है, वहां पे मैग्मा फ्लो हो रहा है, ऊपर आया और ये इस तरह से फिशर फॉर्म में फैल गया। देखो पूरी तरह से ऊपर, ऐसे इस तरह के फॉर्मेशन नहीं है, ये इस तरह के फॉर्मेशन, तो ये होते हैं आइसलैंडिक, जो कि ऐसे इरप्शंस जो कि एक फ्लड्स के रूप में, ये दिख रही है, ये बाढ़ आ रही है, लावा, लावा फ्लड के रूप में, लावा फ्लड्स, ठीक है। और ये जो इसको जो गैप बोलते हैं ना, ये गैप, ये क्या है, इसको बोलते हैं फिशर्स, व्हाट वी कॉल इट, फिशर्स, अंडरस्टूड नाउ। और ये कितने बड़े, कितने लंबे हो सकते हैं, 15 माइल्स, अराउंड 20 किलोमीटर लंबे हो सकते हैं। तो ये होता है आइसलैंडिक इरप्शंस, और प्रकार क्या है, डेक्कन प्लेट्यू इन इंडिया। तो क्वेश्चन बन जाएगा कि हमारा जो डेक्कन प्लेट्यू है वो कौन से इरप्शन का मतलब किस इरप्शन का प्रकार है, तो आइसलैंडिक इरप्शन कहा जाएगा। कोलंबिया प्लेट्यू इन वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स, बोथ आर लावा प्लेट्यूज। द डेक्कन प्लेट्यू कवर्स 101 लाख स्क्वायर माइल्स, वाइल द कोलंबियन प्लेट्यू इज द लार्जेस्ट लावा प्लेट्यू इन द वर्ल्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। कौन सा सबसे बड़ा लार्जेस्ट लावा प्लेट्यू है, कोलंबियन प्लेट्यू, और डेक्कन प्लेट्यू कितना बड़ा है, ये 1 लाख स्क्वायर किलो स्क्वायर माइल्स, ठीक है, याद रह जाएगा। तो ये है आइसलैंडिक प्लेट, आइसलैंडिक इरप्शंस। उसके बाद में सेकंड इरप्शंस आते हैं, हवाईयन इरप्शंस। देखो इस तरह के जो इरप्शंस है ये हवाईयन है। वॉल्केनिक इरप्शंस कैरेक्टराइज्ड बाय न्यूमरस फिशर्स। अब देखो सबका अलग अलग तरीका है, ये देखो एक मिनट, ये दिख रहे हैं, दीज आर द फिशर्स, मल्टीपल फिशर्स इन लार्ज क्वांटिटीज ऑफ हॉट थिन एंड रनी लावा दैट फ्लोज रैपिडली आउट ऑफ मेन वेंट। बहुत सारे इसके अंदर, ये सारे के सारे फिशर्स हैं और इन सब के अंदर लावा फ्लो होता है। तो ये क्या होते हैं, ये बहुत सारे फिशर्स हैं जो कि कॉम्प्लीमेंट करते हैं और एक साथ ये रिलीज होते हैं बहुत लार्ज क्वांटिटी के अंदर हॉट थिन लावा, थिन और रनी। देखो सिंडर को सॉरी जो लावा डोम वाले वोल्केनोज है उनके अंदर जो इरप्शन होता है वो बहुत ही हॉट तो है ही, बट वो थिक होता है, बहुत स्लो होता है। और ये वाले जो है वो रनी लावा, मतलब एकदम पानी की शेप में, पानी के रूप में होते हैं रनी लावा, ओके। उनकी विस्कोसिटी होती है, रेजिस्टेंस टू फ्लो वो बहुत ही कम होती है, ठीक है, उनकी विस्कोसिटी हाई नहीं होती है, तो वो डेंजरस होते हैं। उसके बाद में एग्जाम्पल बता रखा है इसमें, एग्जाम्पल है किलाउई, जो कि हवाई में लोकेटेड है, वो हवाईयन इरप्शन का प्रकार है, ओके। नाउ लेट्स मूव स्ट्रोम्बोलियन इरप्शन। स्ट्रोम्बोलियन इरप्शन क्या होते हैं, शॉर्ट होते हैं, छोटे होते हैं, शॉर्ट एक्सप्लोजिव इरप्शन, शूट थिक एंड पेस्टी लावा स्टीम एंड गैस इन टू द एयर प्रोड्यूसिंग लिटिल टू नो लावा, द रिजल्टिंग स्टीप साइडेड कोन इज कॉल्ड सिंडर कोन। मतलब
और सबसे ज्यादा जो इरप्शन होते हैं ना वो स्ट्रोम्बोलियन ही होते हैं। समझ में आ रहा है कि सबसे ज्यादा जो इरप्शन है वो कहां पर है, मतलब दुनिया में सबसे ज्यादा इरप्शन कौन से होते हैं? स्ट्रोम्बोलियन इरप्शन होते हैं जो कि बहुत कम समय के लिए होते हैं, बट वो शूट करते हैं, फेंकते हैं क्या? थिक और पेस्टी लावा, थिक लावा स्टीम, भाप और गैस। लावा बहुत कम होता है, ठीक है ना, बट इसमें जो है स्टीम और गैस का ज्यादा होता है, और जो भी लावा होता है वो साइड में स्टोर होते हुए चलता है, और इससे सिंडर कोन वोल्केनोज की जो है नींव रखता है ये इरप्शन। जैसे कि ये नामकरण कहां से आया है इसका, स्ट्रोम्बोलियन इरप्शन इज नेम्ड आफ्टर वोल्केनिक आइलैंड ऑफ स्ट्रोम्बोली नियर इटली। कहां रखा गया? इटली में रखा गया था इसका नाम। Eruptions have been occurring almost continuously for centuries. यहां पर इटली के अंदर मतलब 100 सालों से लगातार इरप्शंस होते हुए चल रहे हैं, और इसी की वजह से फ्रीक्वेंट इरप्शंस हैं। ये याद रखना, ये बहुत सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंट इरप्शंस हैं। तो क्वेश्चंस आ जाएं तो इस तरह से इसको सही करके आना है, स्ट्रोम्बोलियन सेलेक्ट करके आना है। स्ट्रोम्बोली क्या होता है? इट इज ऑफन रेफर्ड एज लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन एज इट erupts approximately every 20 second. बहुत ही यूजफुल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आपके लिए कि लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन किसको कहा जाता है? स्ट्रोम्बोली को कहा जाता है, ठीक है ना, याद रख लेना इसको। इटली के पास है क्योंकि हर 20 मिनट में ये इरप्ट होता है, इतना ज्यादा एक्टिव वोल्केनो है, इतना ज्यादा फ्रीक्वेंट वोल्केनो है, ठीक है। नाउ उसके बाद में वोल्केनियन इरप्शन। वोल्केनियन इरप्शन किस तरह के होते हैं आपको दिख रहा है? ये जो क्लाउड्स होते हैं ना वो बहुत क्रिएट करते हैं, ये दिख रहा है क्लाउड्स, इनको पायरोक्लास्टिक क्लाउड्स बोलते हैं, और एक कॉलीफ्लावर शेप्ड हेड एंड थिनर ट्री ट्रंक लाइक बेस, मतलब इनका जो ट्रंक होता है ना एकदम ऐसा लगता है कि कोई पेड़ ही है, तो ट्रंक पतला होता है और ऊपर जाके ये फैल जाता है, तो कॉलीफ्लावर जो गोभी होती है ना नीचे से ट्रंक उसका पतला होता है फिर वो जाके फैलती है, इस तरह के जो है क्लाउड्स को क्रिएट करता है, प्रोड्यूस करता है, और उसके बाद में लावा इजेक्ट होता है। दीज इरप्शंस यूजुअली बिल्ड ए स्टीप साइडेड कोन दैट इज मोर सिमेट्रिकल देन ए सिंडर कोन। ये सिमेट्रिकल होते हैं, सिंडर कोन से ज्यादा सिमेट्रिकल होते हैं वोल्केनियन इरप्शंस वाले, और इनकी पहचान क्या है? ये ट्री शेप के होते हैं कि जिनका बेस है वो ट्री के जैसा होगा, और ऊपर जाकर वो मतलब कॉलीफ्लावर, इसको याद कॉलीफ्लावर से याद रख लेना है इसको। एग्जाम्पल क्या है? क्राकाटोवा इन इंडोनेशिया और काटला, ये दो जो है ना क्राकाटोवा और काटला आइसलैंड के अंदर है, और क्राकाटोवा जो वो है वोल्केनो वो इंडोनेशिया के अंदर है, ठीक है। नाउ देन कम्स स्ट्रेटो वोल्केनोस इरप्शंस। ये बहुत ही टाइप के कॉमन टाइप के वोल्केनो होते हैं। फर्स्ट द वोल्केनो विल हैव एन एक्सप्लोजिव इरप्शन दैट इजेक्ट्स ह्यूज अमाउंट ऑफ स्टीम गैस एंड ऐश। इसमें क्या होता है? सबसे पहले जैसे ही इरप्शन होता है तो स्टीम निकलता है, गैस निकलता है और ऐश निकलता है, ये देखो, ठीक है। अमजद अली वेलकम टू द क्लास। या द स्ट्रेटो वोल्केनोस ये किस तरह के होते हैं? ये अमाउंट ऑफ मतलब सबसे पहले स्ट्रेटो वोल्केनो इरप्शन में क्या होगा? स्टीम निकलेगी, गैस निकलेगी, फिर जो ऐश होती है जिसको अपन धुआं कह देते हैं वो निकलेगा, और उसके बाद में लावा का इजेक्शन होगा। गॉट इट? और ये जो ये बनते कैसे हैं, मतलब पहले थोड़े छोटे होंगे फिर बड़े होते जाएंगे, तो ये किसके फॉर्मेशन से बनता है? ऐश जो राख होती है वो और लावा, इनके फॉर्मेशन से ये बड़े होते हुए चलते हैं, ठीक है। नाउ व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ स्ट्रेटो वोल्केनोज इरप्शन? स्ट्रेटो वोल्केनो इरप्शन के प्रकार क्या होते हैं? माउंट मतलब कहां कहां मिलते हैं इस तरह के इरप्शंस? माउंट फ्यूजी इन जापान और माउंट एटना इन इटली। तो ये जो माउंटेन्स हैं यहां पर स्ट्रेटो वोल्केनिक इरप्शंस आते हैं, ठीक है। उसके बाद में एक नेक्स्ट इरप्शन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा गया है, वो है पीलियन इरप्शन। देखो किस तरह का इरप्शन आपको दिख रहा है, एक ही तरफ फ्लो कर रहा है, फोटो देख पा रहे हो ना आप इसकी, एक साइड ही फ्लो कर रहा है, और ये जो क्लाउड दिख रहे हैं ना आपको, ये जो क्लाउड्स हैं वो सारे के सारे इनको पायरोक्लास्टिक क्लाउड्स कहते हैं, और ये क्वेश्चंस आए हुए हैं,
पायरोक्लास्टिक क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। ये देखो, रिलीज ऑफ ए डिस्ट्रक्टिव पायरोक्लास्टिक फ्लो, दिस फ्लो इज ए रैपिड एंड डिस्ट्रक्टिव मिक्स ऑफ। अब इस पायरोक्लास्टिक क्लाउड में ऐसे नहीं कि इस क्लाउड है तो सिर्फ वाटर वेपर्स होंगे, नहीं ये सब नहीं है इनमें। इस क्लाउड में क्या होगा, इसके अंदर हॉट ऐश होगी, राख होगी, गर्म गर्म राख होगी, गैस होगी और रॉक्स होगी जो कि इट एनिहिलेट्स। देखो क्या शब्द यूज किया गया है, एनिहिलेट्स का मतलब होता है जो भी इसके बीच में आएगा, जैसे ह्यूमन बीइंग हो या फिर नॉन लिविंग बीइंग हो, मतलब कोई घर हो, किसी भी तरह का मेटल हो, इतना ज्यादा उसमें टेम्परेचर रहता है कि सबको सब पिघला देता है। तो इसलिए पिलियन इरप्शन है बहुत डेंजरस होते हैं ड्यू टू दीज क्लाउड्स, इन क्लाउड्स की वजह से। एग्जाम्पल्स क्या है पिलियन इरप्शन के, और ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन्स आर द एग्जाम्पल ऑफ पिलियन इरप्शन। तो आपको क्या कहना है, माउंट पीली पैली, देखो इसी के नाम पे रखा गया है इसका नाम, माउंट पैली के ऊपर ही इसका नाम पिलियन इरप्शन रख दिया। और साउथ फ्रे हिल्स आपको दिख रहा है, ये देखो साइड में टर्म है, तो साउथ फ्रे हिल्स और माउंट पैले ये इसके प्रकार है। उसके बाद में सबसे डेंजरस, लाइक द मोस्ट डेंजरस वोल्केनिक इरप्शन, वो होते हैं प्लीनियन। देखिए ये वाले याद रखिएगा, इफ द क्वेश्चन इज आस्क्ड अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग इरप्शंस वोल्केनिक इरप्शंस आर द मोस्ट डेंजरस, तो आपको लिखना है प्लीनियन इरप्शन, आपको आंसर सही करके आना है। एग्जैक्टली होता क्या है, द मोस्ट पावरफुल इरप्शन टाइप विथ ए टॉवरिंग एश क्लाउड्स रीचिंग अप टू 50,000 feet, मतलब 10 miles, मतलब जैसे मान लीजिए 10 से 15 kilometers ऊंचा इसके क्लाउड्स हैं। आप देखो ये बहुत ज्यादा बड़ा नंबर है, 15 kilometers, 12 to 15 kilometers, और ये जो क्लाउड्स होते हैं आप सोचो 15 किलोमीटर ऊपर ही कोई क्लाउड जा रहा है और ये पूरी तरह से सन, जो पूरा सन की जो रेज होती है उसको ब्लॉक कर देता है, ठीक है। और ऐसा कहा जाता है कि ये एक ऐसा सुपर वोल्केनो होगा जो कि पूरी धरती के ऊपर अंधकार बचा देगा। ये एक जस्ट थ्योरी, अभी रिसेंट में एक जस्ट एक आर्टिकल आया था, तो हम जस्ट शेयरिंग विथ यू कि वो ऐसा कहा जाता है ग्लोबल वार्मिंग तो बाद में मारेगी, ओके, बट फर्स्ट वी विल गेट ग्लोबल आइस एज बिकॉज ऑफ ए सुपर वोल्केनो। कि इस तरह का कोई वोल्केनो फट गया, इरप्ट हो गया, तो ये पूरी तरह से सन की रेज को ब्लॉक कर देगा, ओके? और अगर सन की रेज नहीं आएगी तो अपना अपना सर्वाइवल ही एक तरह से खतरे में आ जाएगा, ठीक है। इस तरह के जो इस तरह के वोल्केनोज है वो कहां पाए जाते हैं, माउंट वेसुवियस इन पोम्पई और माउंट सेंट हेलेंस, ये बहुत डेंजरस है, बहुत लोग इसमें इनकी डेथ हुई थी। माउंट हेलेंस यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर है, तो इसको मैं आगे लेकर आया हूं, एक मिनट, केस स्टडी थी ये रही, केस स्टडी, ये देखो ये दिस इज द लाइव फोटो, ये जो आपके पास फोटो है माउंट सेंट हेलेंस की इरप्शन की फोटो है, ये 57 लोगों की डेथ हो गई थी इसके अंदर, ठीक है। 1.1 बिलियन डैमेज हो गया था 1980 के अंदर, इरप्शन हुआ था 1980 के अंदर। अब आपको क्या हो सकता है, अब आप बताइए सर हमसे क्या मतलब है। देखो क्वेश्चन से ये पूछे जा सकते हैं कि माउंट हेलेंस है वो कौन से माउंटेन सिस्टम का जो पार्ट है, तो उसको कहेंगे कैस्केड रेंज, क्या कहेंगे, कैस्केड रेंज का प्रकार है, ओके। और कौन सी प्लेट काम कर रही है, ये देखो कैस्केड रेंज आपको दिख रही है, तो माउंट सेंट हेलेंस है वो कैस्केड रेंज का एक प्रकार, मतलब उसका एक माउंटेन रेंज है। और जुआन दे फुका प्लेट बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सी प्लेट के अंदर सबडक्ट हो रही है, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट के अंदर सबडक्ट हो रही है, दिख रही है आपको, तो जुआन दे फुका और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट कन्वर्जन बाउंड्रीज है उसकी वजह से ये इरप्शंस हुए हैं, ये दिख रहा है, ये देखो बहुत इजी है, ये क्रस्ट थी, ये देखो सबडक्ट हो रही है, नीचे जा रही है, और यहां पर सबडक्शन की वजह से मूवमेंट हुआ, प्लेट टेक्टोनिक्स ने मूव किया और मैग्मा ऊपर आया और मैग्मा ऊपर आकर पूरी तरह से इरप्ट हो गया, और ये सडन था, बहुत सडन था, इसकी वजह से क्या हुआ, इसमें बहुत लोगों की जाने गई है, ठीक है।
चलो तो ये अपने कुछ इरप्शन थे। हम लोग प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं इरप्शन की, इरप्शन से हम कैसे बच सकते हैं? देखो स्टे इन्फॉर्म्ड, इमरजेंसी प्लान, इमरजेंसी किट या इवेक्यूशन प्रोस इवेक्यूशन रूट्स, मतलब ये है कि हमें इन्फॉर्म्ड रहना है। जब कोई न्यूज अगर आ रही है कि हाँ कुछ वॉलेटिलिटी हो रही है तो उसके पास ना जाए एडवेंचर के चलते कि भी हाँ ठीक है ओके। और अगर आप वोल्केनो के आसपास रह रहे हैं तो आपके पास इमरजेंसी प्लान होना चाहिए कि अगर ऐसा हो गया तो हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो ये कुछ जो है कैसे निकलना है वहां से, तो ये सारे प्लान्स आपको रखने हैं। इंडिया में तो वैसे भी नहीं है, ठीक है। ये देखो और भी ज्यादा एक डिटेल्ड व्यू है, ये तो मैग्मा ओके। उसके बाद में पायरोक्लास्टिक फ्लो मैंने बताया, लावा फ्लो, जो लावा फ्लो होता है, लैंडस्लाइड, वोल्केनिक इरप्शन की वजह से लैंडस्लाइड्स भी आ सकते हैं, बिकॉज इतना वो गर्म रहता है तो वो पूरी जो रॉक्स को पिघला देता है और वो जो डेब्रीज होती है उनको वो पूरी नीचे की तरफ फेंक सकता है, तो लैंडस्लाइड भी हो सकती है ओके। ये देखो ऐश फॉल, एसिड रेन, इरप्शन क्लाउड्स, बहुत बहुत तरह के, ब्रांच पाइप, क्रेटर वेंट, साइड वेंट, तो ये सारे के सारे जो है पार्ट्स हैं वोल्केनिक इरप्शंस के, ठीक है। वॉल्केनिक हजार्ड्स, देखो पायरोक्लास्टिक फ्लो इस तरह से होते हैं, ऐश फॉल ये एक रियल एक इमेज है, फोटो ली हुई है कि पूरी तरह से दिन का फोटो है और पूरी तरह से ऐश ने कवर कर लिया है, तो सन की रेज पेनिट्रेट ही नहीं हो पाती है, जब तक बारिश नहीं होगी तब तक ये ऐश नीचे नहीं आएगी। लावा फ्लो, ये देखिए लावा फ्लो, आर एबल टू सी द लावा फ्लो कितना ज्यादा स्टिक है, और क्योंकि ये रॉक ही तो है बस मोल्टन फॉर्म। फिर होती है लहार्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब जो रॉक्स की डेब्रीज की फ्लड फ्लड होती है ना उसको लहार कहा जाता है, ठीक है याद रह जाएगा। चलो पायरोक्लास्टिक फ्लो है, ये रियल एक फोटो है आपके सामने, पायरोक्लास्टिक फ्लो इस तरह से क्लाउड्स होता है तो जो भी बीच में आता है सब कुछ खत्म कर देता है। तो ये अपना वोल्केनो था, ये वापस 1980 का आया था कि जुआन दे फूका प्लेट है वो नॉर्थ अमेरिकन। तो क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है कि जो माउंट सेंट हेलेंस का वोल्केनिक इरप्शन हुआ था या अभी भी जो चल रहा है वो वोलेटाइल है, वो तो वो किन दो प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से हो रहा है, जुआन दे फूका प्लेट और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, तो याद रखना है उसको। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, इफ यू आर लाइकिंग द सेशन, अगर आपको इस अच्छा लग रहा है कि हाँ इंफॉर्मेटिव है, तो आप हमारे अप्लीकेशन के ऊपर रजिस्टर करके और इसको ज्योग्राफी से सेलेक्ट करेंगे तो आपको ये लेक्चर मिल जाएगा, इसका पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगा। और अगर वहां नहीं है तो आप यूजीसी नेट ज्योग्राफी आईएफएस सर्च करेंगे टेलीग्राम पर, तो इस तरह से कुछ चैनल आएगा उसको आप जो है ज्वाइन कर और आप इस पीडीएफ को ले सकते हैं ओके। और असिस्टेंट प्रोफेसर का मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको कि बैचेस लॉन्च हो चुके हैं, तो जो स्टूडेंट्स आरपीएस असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी की तैयारी कर रहे हैं वो जरूर एनरोल कीजिए। आपको एक तरह से देखो दिख रहा है ये यूट्यूब पर जिस तरह से हम लोग पढ़ाते हैं सेम लग मिरर वैसे ही हम लोग और भी मेहनत के साथ, बिकॉज यहाँ हम लोग सारा कवर नहीं कर सकते ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट्स एंड ऑल, बट बैचेस के अंदर हमको तल्लीनता से पढ़ाया जाएगा। हाँ कोई स्टूडेंट्स अगर रेगुलरली हमारे यूट्यूब लाइव को भी फॉलो करता है तो भी उसका आराम से नेट क्लियर हो जाएगा, तो बिल्कुल भी डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, आप आराम से अपना नेट है क्लियर कर सकते हैं जस्ट बाय द यूट्यूब वीडियोस। और अगर आपको डिटेल में बहुत तल्लीनता से सब कुछ चाहिए, पूरा जो है पीडीएफ हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, सब कुछ, तो आप हमारे बैचेस में आ सकते हैं, ठीक है। नाउ अगर किसी स्टूडेंट ने दिसंबर में अटेम्प्ट देना है यूजीसी नेट का या फिर किसी भी एग्जाम्स का, एमपी का सेट आ रहा है, आरपीएस असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम्स आ रहे हैं, तो ज्योग्राफी के और भी सब्जेक्ट्स के टेस्ट सीरीज हमारे आईएफएस के एप्लीकेशन के ऊपर लाइव है, आप उनको चेकआउट कर सकते हैं और अपनी तैयारी को मेजर कर सकते हैं कि आप कितने आपकी तैयारी कितनी है और कौन 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 से आपके वीक एरियाज है, ठीक है। नाउ और एक बहुत आपके लिए एक क्विज है कि हमारी दो फैकल्टीज अभी आ रही हैं, तो आप कमेंट करके बताइए कि कौन सी फैकल्टी हो सकती है, कौन से सब्जेक्ट की फैकल्टी हो सकती है, ठीक है। कम से कम अगर आपको नाम नहीं पता है तो आप सब्जेक्ट कर सकते हैं कि कौन से सब्जेक्ट के अंदर फैकल्टीज आ रही हैं, ठीक है। मंडे मंडे आप उनको देखेंगे, मंडे पे वाईटी लाइव पर आपको आएंगे वो आपके सामने ओके। नाउ
लैंडस्लाइड्स क्या होते हैं? देखो लैंडस्लाइड्स क्या होते हैं, उनको लैंड स्लिप्स भी कहा जाता है, सबसे पहले बात तो ये। और ये वो जियोलॉजिकल फिनोमिनन्स होते हैं जहां पर ग्राउंड की मूवमेंट होती है। किसकी होती है? ग्राउंड मूवमेंट होता है। जो शैलो डेब्रीज होती हैं वो नीचे की तरफ गिर जाती हैं, बड़े बड़े बोल्डर्स हैं वो नीचे की तरफ स्लाइड हो जाते हैं, उनको लैंड स्लाइड कहते हैं कि लैंड स्लाइड हो गई ना? हम लोग स्लाइड करते हैं ना, हम बचपन में वो स्लाइडिंग वाला, अभी भी पार्क्स में स्लाइडिंग वाला जो रहता है कि ऊपर से बैठते हैं तो नीचे, इस सेम उसी से ही इसका क्यों इसका नाम रखा गया है कि अगर लैंड इस तरह से स्लाइड कर जाए तब दिक्कत हो जाएगी। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड, बहुत तरह के हैं लैंडस्लाइड्स होते हैं। फॉल मतलब ये दिख रहा है आपको, ये एक तरह से रॉक्स हैं और ये देखो बोल्डर्स गिर रहे हैं नीचे। तो पहला तरह का जो लैंडस्लाइड्स होते हैं वो फॉल लैंडस्लाइड्स होते हैं। उसके बाद में होता है टॉपल, कि यहां पर कोई एक रॉक थी और वो क्या है, वो वन सेकेंड, यहां पर कोई रॉक जुड़ी हुई थी और ड्यू टू इरोजन इरोजनल प्रोसेस, जैसे कि विंड हो गया या फिर वाटर की वजह से या फिर ग्रेविटी की वजह से ये रॉक्स टूट गए और टूट के नीचे नीचे की तरफ आ गए, उसको टॉपल कहते हैं। क्या कहते हैं? टॉपल। तो टॉपल एक लैंडस्लाइड का प्रकार है। उसके बाद में होता है स्प्रेड। स्प्रेड क्या होता है? देखो ये पूरा एक लैंडफॉर्म था, आपको समझ में आ रहा है, पूरा एक लैंडफॉर्म था, बट ड्यू टू टेक्टोनिक एक्टिविटीज, ड्यू टू इरोजनल एक्टिविटीज, ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से क्या हुआ, ये जो पोर्शन है वो टूट गया। अब ये टूट कर आगे बढ़ रहा है, तो आगे क्या करेगा, वो अपने से आगे वाले को पुश करेगा और ऐसे करते करते एक लैंड एक चेन रिएक्शन बन जाती है, उससे लैंडस्लाइड्स होते हैं। उसके बाद में आते हैं ट्रांजिशनल स्लाइड। ये प्रॉपर जो स्लाइड होता है कि बह गया ऐसा का ऐसा, पानी था वाटर की वजह से पूरी पूरा सीधा का सीधा बह गया। ओके, फिर आता है रोटेशनल स्लाइड। रोटेशनल स्लाइड में क्या होता है, ये आ रहा है और फिर यहां पर कुछ हार्ड रॉक्स रहती हैं, वो जैसे ही जो लैंडस्लाइड वाला जो मलबा आ रहा है, जो डेब्रीज आ रही है, वो यहां पर इंटरेक्ट होगी और जैसे ही यहां पर इंटरेक्ट होने के बाद में जंप करेगी ऊपर की तरफ इस तरह से, तो वो इस तरह जाकर और फिर ऊपर से आएगी, तो वो और भी डेंजरस होती है कि वो लंबी दूरी तक जाती है फिर, तो उनको कहते हैं रोटेशनल स्लाइड। इस तरह से जा रही है वो, इस तरह से ऐसे, फिर वो इस तरह से, गॉट इट? जैसे कि अपना रैलिक वेव्स थी, कल हम लोगों ने पढ़ाया था ना रैलिक वेव्स, जो अर्थक्वेक की जो वेव्स होती है ना रैलिक वेव, वो भी इसी तरह रोटेशनल में काम करती है, तो वो भी ज्यादा डेंजरस होती है। तो सेम कंडीशन इज विद देयर लैंडस्लाइड्स आल्सो, रोटेशनल स्लाइड्स होते हैं बहुत डेंजरस होते हैं। और फ्लो डेब्री फ्लो, सिंपल मान लो किसी भी रीजन की वजह से, जैसे ये एक माउंटेन है उसमें से कोई एक पोर्शन है वो नीचे टूटकर पूरी तरह से बह गया, जो डेब्रीज है वो फ्लो हो गई, तो उसको डेब्रीज फ्लो कह देते हैं। ठीक है, तो ये कुछ लैंडस्लाइड्स के टाइप्स थे। अब लैंडस्लाइड्स आती क्यों है? सबसे मेजर रीजन तो होता है कि जैसे मान लो रेनफॉल की वजह से आ गई, या कोई वाइब्रेशंस हो गए ड्यू टू टेक्टोनिक एक्टिविटीज, कोई अर्थक्वेक के आने की वजह से हिल गया वो, वाइब्रेशंस हो गए, अंडरकटिंग, वाइब्रेशन अपने वजह से भी हो सकते हैं, कोई माइन में हम लोगों ने ब्लास्ट किया हो। और कल मैंने आपको बताया था कि जो डैम्स हैं, डैम्स क्या होते हैं, डैम्स जब हम लोग बनाते हैं तो बहुत सारा पानी वहां पर इकट्ठा किया जाता है, अब उस लैंड को आदत नहीं है इतना पानी सहने की, तो वहां पर बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाता है, उसकी वजह से भी अर्थक्वेक्स आ सकते हैं, अर्थक्वेक से वाइब्रेशन आएगा और वाइब्रेशन से लैंडस्लाइड्स होने के खतरे रहते हैं। ओके, और लैंड और ये अर्थक्वेक और जो वोल्केनोज है ना, इनकी जो वाइब्रेशन की वजह से सुनामी भी आ सकती है। तो हर आप नोटिस करना, जब न्यूज़पेपर पढ़ो मैगजीन्स पढ़ोगे तो आप नोटिस करना कि जो भी अर्थक्वेक आता है तो कोस्टल एरियाज की जो है वो डिवाइसेस, मतलब वहां के अथॉरिटीज वो एक्टिव हो जाती है और वो ये सर्च करती है कि इसकी वजह से, इस अर्थक्वेक की वजह से कोई सुनामी तो नहीं आ रही है, क्योंकि सुनामी क्या होती है कि वो पता नहीं चलता है, वो जब तक हिट नहीं करती है तब तक पता नहीं चलता है। ठीक है, नाउ ये देखो लैंडस्लाइड का प्रकार है, दिख रहा है आपको, ये वो बह गया पूरी तरह से। अब आपको खुद को दिख रहा होगा, ये देखो वेजिटेशन है, यहां पर वेजिटेशन है, यहां पर वेजिटेशन थी, यहां पर देखो वेजिटेशन है, यहां पर ऐसा लग रहा है कि वेजिटेशन नहीं थी, नो वेजिटेशन।
तो समझ में आ रहा है इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट्स, ट्रीज की इंपॉर्टेंस पता चल रही है हम लोगों को। तो मतलब ये लैंडस्लाइड्स होते हैं वो तो बड़े ही नाइव फीचर्स बोल सकते हैं, नॉर्मल जो है रीजंस थे। मेन रीजन क्या हो सकता है, स्लोप का एंगल कितना ज्यादा स्टीप है, फिर मटेरियल्स जो ये स्लोप में जो मटेरियल है, ये जो मटेरियल है ये किस तरह का है, इससे भी लैंडस्लाइड्स का पता चलता है। और तीसरा रीजन होता है प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ वेजिटेशन, कि वहां पर अगर प्रेजेंस है तब तो वो पकड़ के रखेगी उसको, रॉक को जाने नहीं देगी, और जहां पर अगर वेजिटेशन नहीं होता है तो वो लूज डेब्रीज हो जाती है, वो ज्यादा ससेप्टेबल होती है किसके लिए, लैंडस्लाइड के लिए, ठीक है। और जब ये लैंडस्लाइड्स आते हैं तो लॉस ऑफ लाइफ, देखिए ये देखो एक लैंडस्लाइड का प्रकार है। अब आप देखिए ये जो कार है, ठीक है, ये रोड पे खड़ी तो होगी नहीं, ये चल रही होगी और उसके बीच में ही लैंडस्लाइड आ गया, तो इसमें जो भी पर्सन होगा बचने की बहुत ही कम संभावनाएं हैं, आपको दिख पा रही होगी। तो ये क्या हुआ, लॉस ऑफ लाइफ हो गया, हो गया। दूसरा क्या लॉस हुआ, ये जो प्रॉपर्टी थी, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी हो गया। अब यहां पर ट्रांसफॉर्मर लगा हुआ है, बिजली के तार टूट गए, ट्रांसफॉर्मर पूरी तरह से ठप हो गया, आपको दिख रहा है, इसको पता नहीं कितना टाइम लगेगा सही होने में। तो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर का डिसरप्शन हो गया, अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर डिसरप्शन, ठीक है। और यहां पर पेड़ भी इसमें दबे हुए हैं, दिख रहे हैं ट्रीज दब गए हैं इसके अंदर ट्रीज, तो ये क्या है, लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी। लॉस ऑफ बायो डायवर्सिटी। फिफ्थ क्या हो सकता है, कि यहां पर जो टूरिस्ट आएंगे वो ये पता नहीं कब इसमें सही होगी, तो टूरिज्म के अंदर हैम्परिंग करेगा, है ना। अल्टीमेटली जो स्टेट्स टूरिज्म के ऊपर डिपेंड होते हैं उनके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाता है ये, कि इस तरह के चीजें अगर इस तरह के जो है लैंडस्लाइड्स आते रहेंगे तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। और सिक्स क्या रहेगा, लोगों के मन में डर रहेगा, फियर, ट्रॉमाज रहेंगे और फियर रहेगा। जिन्होंने इसको लाइव देखा हो तो जीवन में वापस नहीं आएंगे कि यार ये क्या हो गया। अभी रिसेंट के अंदर 10 दिन पहले की एक आ, कि बहुत बड़े बड़े बोल्डर्स आ रहे हैं, इतने बड़े बोल्डर्स है कि पूरे गाड़ी को ही उन्होंने पिचका दिया, पूरी तो फोटो है तो उसको देख कर ही डर लग रहा है। तो ये क्या है, ये फियर बैठ रहा है कि नहीं नहीं हिली एरियाज में तो नहीं जाना, है ना, स्पेशली इन द रेनी सीजन, क्योंकि वहां पर ज्यादा रेन होने के कारण लगातार 5-6 दिन रेन हो रही है, तो वहां के जो डेब्रीज हैं वो बहुत लूज हो जाते हैं, स्टोन्स लूज हो जाते हैं, उसकी वजह से जो है लैंडस्लाइड आने का जो खतरा है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ओके, और हम लोग इसको कैसे रोक सकते हैं, स्टोप स्टेबलाइजेशन टेक्निक्स, जैसे कि रिटेनिंग वॉल्स, ड्रेनेज सिस्टम। हम लोग क्या करते हैं, जैसे पहाड़ों में ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं होता है तो जो पानी होता है, हाउस का सीवेज हो गया है, कोई पाइप टूट गई तो टूटे ही जा रही, मतलब उसमें पानी बिखरता हुआ जा रहा है और वो रॉक में जा रहा है, तो रॉक अंदर ही अंदर से खोखली हो रही है बिकॉज ऑफ केमिकल रिएक्शन। अगर मान लो वो रॉक, अगर ऐसी कोई रॉक है जो कि आयरन के साथ, मतलब ऑक्सीजन के साथ में ऑक्सीडाइज कर जाती है, तो केमिकल रिएक्शन होने की वजह से रॉक्स डिजोल्व हो जाती है पानी के अंदर और वो तो बह जाती है, फिर रॉक्स खोखली हो जाती है, तो इसकी वजह से भी क्योंकि ये लैंडस्लाइड ऐसे थोड़ी कि मन में आया तो हो गया, कोई ना कोई रीजन जरूर रहा होगा, या तो फिर नेचुरल है या फिर हमारी वजह से कुछ हुआ है। रिफोरेस्टेशन, मॉनिटरिंग स्लोप मूवमेंट्स, मतलब अगर ऐसी एक्टिविटीज कहीं हो रही है तो उसका प्रॉपर मॉनिटरिंग होनी चाहिए, प्लस रिफोरेस्टेशन, अगर बैरन जमीन पड़ी है या कुछ हमने डिफोरेस्टेशन किया है तो वहां पर वापस प्लांटेशन होनी चाहिए। तो ये कुछ टेक्निक्स है जिससे हम लोग बच सकते हैं लैंडस्लाइड्स। नेचुरल फैक्टर्स क्या होते हैं लैंडस्लाइड के, पहला है ग्रेविटी, सेकंड इज इरोजन, थर्ड इज अर्थक्वेक्स, फोर्थ इज वोल्केनिक इरप्शन एंड फिफ्थ इज वेदरिंग। वेदरिंग मतलब जो इरोजन जो होता है ना उसको कहते हैं वेदरिंग, इरोजन पावर्स, ठीक है ना, पानी हवा इसकी वजह से। ग्रेविटी, अगर ज्यादा स्टीप स्लोप होगी, आप खुद देखिए, अगर इस ये है यहां पर हम लोग रखेंगे किसी बॉल को तो वो तेजी तेजी से आएगी, तो जितना ज्यादा उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स भी उतना ही लगेगा। तो रीजन इज फर्स्ट इज ग्रेविटी,
प्राइमरी सोर्स क्या होता है, ग्रेविटी होती है। अगर मान लो इस तरह से कहीं रॉक रखी भी हुई तो वो कोई लैंडस्लाइड नहीं करेगी, बट इस तरह से कोई रॉक लूज हो जाएगी तो वो लैंडस्लाइड क्रिएट कर सकती है। ठीक है, इरोजन कैसे होता है, बाय रिवर्स ग्लेशियर्स ओशियन वेव्स क्रिएट अनस्टेबल स्लोप्स। रिवर्स की वजह से, ग्लेशियर्स की वजह से और ओशन की जो वेव्स होती हैं उसकी वजह से स्लोप्स हैं वो अनस्टेबल हो जाती है और वहां पर जो है डेब्रिज लूज होने के कारण लैंडस्लाइड होने का खतरा रहता है। वॉल्केनिक इरप्शंस और अर्थक्वेक्स दोनों को एक साथ ही लेकर चलेंगे कि अर्थक्वेक की वजह से भी अर्थ की अर्थ शेक होती है, एकदम शांति से कोई रॉक रखी हुई है तुरंत उसको झटका लगेगा तो कोई भी लूज एक एंड रहेगा वो तुरंत नीचे से स्लाइड हो जाएगा, तो अर्थक्वेक की वजह से लैंडस्लाइड ट्रिगर हो सकते हैं। ओके, वॉल्केनिक इरप्शन से क्या होगा, जो दीज कैन प्रोड्यूस लूज एश डिपॉजिट्स, मतलब इरप्शन हो गया और वो जो राख थी कहीं जाके सेटल हो गई, इस सेटलमेंट की वजह से, इस ऐश के सेटलमेंट की वजह से, और फिर बारिश होगी तो वो ऐश क्या करेगी, वो नीचे आ जाएगी और फिर वो आपको पता है ऐश होती है वो स्टिकी, पता नहीं किस किस वोल्केनो के अंदर किस किस तरह का डेब्रीज होता है, वो ऐश डिपॉजिट से वो पूरा नीचे की तरफ आ जाएगा, मडी होता है और वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और वेदरिंग का मतलब कि रॉक्स, आपको मैंने कल जो परसों का जो लेक्चर था इससे पहले, अब ये जो प्लेलिस्ट चल रही है ना भूमि बोध सीरीज, इसका आपको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर उसको देखिए और उसमें जो वेदरिंग वाला चैप्टर है उसको देखिए, किस किस तरह से बायोलॉजिकल मतलब एनिमल्स की वजह से रॉक्स की वेदरिंग कैसे होती है, ठीक है, और प्लांट्स के रूट की वजह से कैसे वेदरिंग होती है, और फिजिकल वेदरिंग मतलब पानी से हवा से वेदरिंग किस तरह से होती है वो हमने पढ़ाया था, और केमिकल्स की वजह से जैसे कि ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडेशन, कार्बोनेशन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में मिक्स होकर किस तरह से रॉक्स का डिसइंटीग्रेशन करती हैं वो, तो ये हमने सारे कराए हैं और एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप उनको जरूर जाकर पढ़िएगा। ठीक है, नाउ ये देखो ये रोड दिख रही है आपको, ये पूरी तरह से देखो खोखला मतलब बिकॉज ऑफ रेनफॉल, ये देखो यहां भी ये भी हुआ नहीं है, फूल गया है पूरी तरह से, है ना, रोड है वो फूल गई है एकदम, तो एकदम खोखली हो चुकी है अंदर से और ये पूरी तरह से देखो लैंडस्लाइड हो गया। और एक ये भी देखो ये क्या है, ये अब आप खुद देखिए, एग्जांपल मैं हमेशा देता हूं इसका कि यहां पर वेजिटेशन थी कुछ नहीं हुआ, यहां पर देखो डिफोरेस्टेशन हुआ, लोग एकदम कॉर्नर पे बस गए, यहीं पर लैंडस्लाइड हुआ, रीजन इज डिफोरेस्टेशन, क्योंकि जो पेड़ होता है वो उसको मजबूत रखता है, कोई भी इरोजन नहीं होने देता है, लैंडस्लाइड भी नहीं होने देता अगर ये यहाँ पर डिफोरेस्टेशन नहीं हुआ होता। ठीक है, तो ये कुछ अनस्टेबल लैंड और कोई भी एक ट्रिगर चाहिए, लैंड ऑलरेडी अनस्टेबल है, ट्रिगर पॉइंट्स क्या हो सकते हैं, हैवी रेनफॉल हो सकती है, रिवर हो सकता है, कोई ग्लेशियर हो सकता है, वेव्स की करंट ओशन की वेव्स हो सकती हैं, या फिर कोई अर्थक्वेक आ गया उसने ट्रिगर कर दिया, तो इस तरह से हो सकता है लैंडस्लाइड। ये देखो वॉल्केनिक इरप्शन से किस तरह से होगा, ये दिख रहा है आपको कि जो लावा है ये पुश करता है वहां की जो ऑलरेडी रॉक्स हैं उसको वो पुश करता है, उससे लैंडस्लाइड होने का खतरा रहता है, तो ये वॉल्केनिक इरप्शन से इस तरह से लैंडस्लाइड हो सकते हैं। ठीक है, ये देखो लैंडस्लाइड है ना, और ये एक जो डायग्राम है वो है कि किस तरह से स्लोली स्लोली धीरे धीरे वेदरिंग का प्रकार बता रखा है, कि जैसे मान लो एक घर बना हुआ है तो इसका सीवेज है वो नीचे परकुलेट हो रहा है, सीवेज के रूप में जा रहा है, ठीक है, वाटर टेबल है, और बारिश हो गई तो ये कोई क्रैक बन गया, क्रैक के अंदर हो गया, और अगर ये देखो प्लांट के ऊपर क्रॉस लगा रखा है, इट मीन्स अगर ये प्लांट हट जाए यहां से तो यहां पर भी जो है रॉक्स लूज हो जाएंगी, तो ये सारे फैक्टर्स मिलके और फिर एक ट्रिगर पॉइंट आ जाए, अर्थक्वेक आ गया, सारा का सारा लैंडस्लाइड हो जाएगा। ठीक है, नाउ हमारी वजह से कैसे हो सकता है, डिफोरेस्टेशन, कल्टीवेशन एंड कंस्ट्रक्शन विच डिस्टेबलाइज दैट ऑलरेडी फ्रेजाइल स्लोप्स। अगर हम लोग स्लोप्स पर कल्टीवेशन कर रहे हैं तो हम लोगों ने डिफोरेस्टेशन कर दिया, अब डिफोरेस्टेशन हम लोग कर देते हैं तो जो पेड़ की जो रूट्स होती हैं वो ज्यादा डीप होती हैं क्रॉप्स की बजाय, क्रॉप तो अगर थोड़ा सा भी बहाव तेज आएगा पूरी डूब जाएंगी,
वो तो ग्राउंड को पकड़ ही नहीं रख सकती है। तो डिफोरेस्टेशन की वजह से और स्लोप पर इस तरह की कल्टीवेशन करने से कि जिससे कि वो स्लोप थी डिफोरेस्टेशन के कारण डिस्टेबलाइज हुई थी, वो वापस और भी ज्यादा फ्रेजाइल थी, वो और ज्यादा डिस्टेबलाइज हो गई। ठीक है, वाइब्रेशंस फ्रॉम मशीनरी और ट्रैफिक, मतलब एक माउंटेन है वो बड़ा ही सेंसिटिव इकोसिस्टम होता है, वहां पर हम लोग कंस्ट्रक्शन के कारण क्या हो रहा है, वाइब्रेशंस हो रही है, वाइब्रेशंस फ्रॉम मशीनरी और ट्रैफिक, उसकी वजह से क्या हो रहा है, वाइब्रेशंस होने की वजह से ट्रिगर पॉइंट हो गया। तीसरा है ब्लास्टिंग एज माइनर्स नॉर्मली डू, हम लोग माइंस करते हैं तो हाथ से थोड़ी छेनी लेकर कर रहे हैं, इस तरह से हम लोग ब्लास्ट करते हैं, जो नई टेक्निक्स है वो है डायनामाइट लगाओ और ब्लास्टिंग करो। ठीक है, ये होता है लैंडस्लाइड्स। अब देखो ये एक बहुत ही केस स्टडी है अपने लैंडस्लाइड्स की, गिव मी अ मोमेंट। ये आपके सामने केस स्टडी है केदारनाथ की, 16 जून 2023 को ये आया था, लैंडस्लाइड उत्तराखंड में था। क्यों आया था ये लैंडस्लाइड, उत्तराखंड की फ्लड्स की वजह से आया। ठीक है, ओवर 5700 वर रिपोर्टेड डेड एंड ओवर 4200 विलेजेस हैड बीन अफेक्टेड बाय फ्लड्स एंड पास्ट फ्लड्स लैंड्स। मतलब डेथ देखो 5700 पीपल वर रिपोर्टेड डेड, मतलब वो मिले, कोई कोई तो ऐसी बॉडीज जो कि मिली भी नहीं थी। जस्ट सी द कंडीशन, ये बिफोर है और ये आफ्टर है। अनडिस्क्रिमिनेटरी यूजेस पूरी तरह से है, आपको दिख रहा है पूरी तरह से जो बिफोर वाले में है कहीं कोई वेजिटेशन है ही नहीं, खत्म कर दिया। अगर यहीं पर पेड़ रहते तो उस लैंडस्लाइड से बच सकते, वहां पर बचा जा सकता था। ये केदारनाथ अपने धाम जो है, देखो ये कंडीशन देखो क्या हुआ, फिर 5700 लोगों की डेथ हुई। फिर अपना आता है एवलांचेस, क्या आता है एवलांचेस। तो हमने क्या पढ़ा, हम लोगों ने वॉल्केनो पढ़ लिए, हम लोगों ने लैंडस्लाइड्स पढ़ ली, उसके बाद में आता है थर्ड नंबर पर एवलांचेस। देखो एवलांचेस क्या होता है, डेफिनेशन देखिए, रैपिड डाउन स्लोप मूवमेंट ऑफ स्नो एंड आइस, स्नो और आइस का रैपिड डाउन, मतलब बहुत कुछ मिनट्स के अंदर जो मूवमेंट्स होता है और इसके अंदर क्या मिक्सिंग होती है। एवलांचेस लोग सोचते हैं अच्छा आइस आ रही होगी, नहीं, बहुत सारी चीजें आती हैं, आइस आती है, स्नो आती है, रॉक्स आती हैं इसके साथ में और डेब्रीज आती हैं। क्योंकि अगर स्नो रहेगी ना तो ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचेगा, नुकसान कब पहुंचता है जब उसके अंदर जो रॉक आती है वो हमें हिट कर जाती है, डेब्रीज आती है वो हमें हिट कर जाती है और वो डिपॉजिट हो जाती है एक साथ कहीं पर, उससे वो पूरा जो एरिया है वो हम लोग उस, देखा ना आपने बहुत सुना होगा कि माउंटेनर्स थे वो माउंटेन जो ट्रैकिंग पे गए थे बट वो दब गए। ओके, नाउ सोल्जर्स होते हैं अपने इंडियन, खूब इसमें आते हैं कि एवलांचेस की वजह से जो है वो मिली नहीं बॉडी या फिर दब गई, वो बहुत दिनों तक नहीं मिलती है, तो वहां पर सर्वाइवल करना बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसी सिचुएशन में। अब ये एवलांचेस होते क्यों है, ये क्यों होता है, सेम लैंडस्लाइड वाला ही फॉर्मेशन है, सेम लैंडस्लाइड जैसी है, पर वो लैंडस्लाइड्स जो है वो तो जैसे हिली एरियाज में माउंटेन्स पर आती हैं, मतलब जहां पर रॉक्स डेब्रीज रहती हैं, और ये क्या है, ये आइस वाले माउंट स्नो माउंटेन्स पर आती हैं, सेम रहता है कि इनस्टेबिलिटी हो जाती है स्नो पैक्स के अंदर। दूसरा, वेदर कंडीशंस ऐसी हो जाती हैं कि उसकी वजह से अवलांचेस आ जाते हैं, स्लोप का एंगल, स्लोप एंगल दिख रहा है, और ह्यूमन एक्टिविटी, अगर वहां पर हम लोगों ने कोई एडवेंचर कर लिया, कोई वाइब्रेशन कर दिया, तो ये तो और भी ज्यादा सेंसिटिव होता है लैंडस्लाइड से भी। तो एवलांचेस के कॉजेस क्या होते हैं, स्लोप की वजह से, स्नो पैक की कंडीशन, जो वीक लेयर होती है ना वो है, अगर सपोज करो अगर कोई वीक लेयर, वीक स्नो की जो लेयर है वो हैवियर लेयर के नीचे अगर हो जाए तो वो जो हैवी लेयर है ना वो वीक वाली को स्लाइड कर देगी। आप समझ रहे हो, अगर हैवी के ऊपर, हैवी जो लेयर होती है उसके ऊपर अगर स्नो की लेयर, लाइट स्नो की लेयर अगर रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं है, बट लाइट लेयर और उसके ऊपर हैवी आ गई तो फिर बाद में दिक्कत हो जाती है। ठीक है, वेदर,
ट्रिगर, तो लैंडस्लाइड को भी ट्रिगर चाहिए और एवलांचेस को भी ट्रिगर चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ कॉजेज हैं एवलांचेस के। कितने प्रकार होते हैं एवलांचेस के, प्रकार कितने होते हैं? एक तो होता है स्लैब एवलांच, सेकेंड इज पाउडर स्नो एवलांच, एंड द थर्ड इज ग्लेशियर एवलांच। गॉट द पॉइंट? स्लैब एवलांचेस क्या होते हैं, फ्रेश किस तरह से होते हैं? देखो डेफिनेशन बहुत जरूरी है, पूछ लेंगे लाइक स्लैब एवलांचेस के किस तरह से इसका डेफिनेशन पूछ लेंगे। तो स्लैब एवलांचेस क्या होती हैं? फ्रेश डैम्प स्नो और ओल्ड एंड ब्रिटल स्नो ब्रेक्स अवे इन स्लैब्स ऑफन सेट बाय स्कायर्स। ये हमारी वजह से होता है स्लैब वाला, या तो फ्रेश या पुरानी जो स्नो होती है वो स्लैब्स के अंदर ब्रेक हो जाती है। ये जो स्काइयर्स, हम लोग जो स्काइंग करते हैं ना, उसकी वजह से जब हम लोग स्काइंग करते हैं तो उसमें वो जो है क्रैक्स होते हुए चलते हैं। तो अगर ऐसी जगह स्काइंग होगी जो पहले से थोड़ा सा ब्रिटल था, ओल्ड था, तो वो स्लैब्स में टूट के और स्लैब की फॉर्म में जाएगा, मतलब स्लैब के स्लैब जा रहे हैं अवलांचेस के अंदर। जस्ट इमेजिन द सिचुएशन की कितनी डेंजरस होगी वो। फिर सेकंड, और इसकी स्पीड देखो 140 किलोमीटर पर आवर, 140 की स्पीड है अवलांचेस की। द सेकंड वन इज पाउडर स्नो, ए डेंजरस विंड ब्लास्ट प्रेसिडेट्स फास्ट मूविंग स्नो। मतलब जो स्नो है ना, जो स्नो बह रही है उससे भी आगे विंड बह रही है। आप सोचो कंडीशन देखो क्या हो रहा है, स्नो पीछे आ रही है और हवा पहले चल रही है, और इसकी स्पीड 300 किलोमीटर पर आवर की हो सकती है, ठीक है। फ्रेश पाउडर स्नो फेड्स फेल्स टू फाइंड ट्रैक्शन ऑन एन ओल्ड लेयर ऑफ स्नो। मतलब ओल्ड लेयर जो स्नो, ओल्ड स्नो की जो ओल्ड लेयर होती है उसके ऊपर वो टिक नहीं पाती और वो स्लाइड कर जाती है, तो उसको कहते हैं पाउडर स्नो अवलांचेस। स्पीड देखिए डेंसिटीज की कम होती है, बिकॉज ये आपको मैंने बताया था कि फ्रेश जो फ्रेशली स्नो होती है वो हैवियर जो है उसके ऊपर टिक नहीं पाती हैवियर स्नो के ऊपर, ओल्डर जो लेयर होती है। ये देखो ओल्ड स्नो है पूरी तरह से डेंस है, और पाउडर स्नो वाली जो है, या सॉफ्ट स्नो भी बोलते हैं इसको, वो क्या है, वो नॉर्मल लो डेंसिटी की होती है, ठीक है। नाउ थर्ड वन इज ग्लेशियर अवलांच, वेरी हाई स्पीड एक्सट्रीमली डेंस। पाउडर स्नो है वो पाउडरी फॉर्म में रहता है, सॉफ्ट स्नो रहती है तो स्पीड तो ज्यादा होती है, तो यहां पर जो है रॉक्स वगैरह, रॉक्स है डेब्रीज वो कम रहती है। थर्ड इज ग्लेशियर अवलांच, वेरी हाई स्पीड एक्सट्रीम डेंसिटी। समझ में आ रहा है? वेरी हाई स्पीड और डेंसिटी बहुत ही ज्यादा होती है। और ये मेरे पीछे एक मिनट, अब देखो सेक्शंस ऑन द एजेस ऑफ ए ग्लेशियर ब्रेक्स अवे एंड कॉज एन अवलांच। मतलब एक सेक्शन ही ब्रेक हो जाता है, पूरा सेक्शन फ्लो हो गया, और ये दिख रहा है आपको पूरे ग्लेशियर के, क्योंकि ग्लेशियर है वो पूरी तरह से नहीं टूटता है, और एक ग्लेशियर अगर टूट जाए तो आप सोचो पूरा एक आइस का स्लैब ही गिर रहा है, तो इसमें तो बचना ही नामुमकिन है। तो ये तीन तरह के अपने अवलांचेस हैं, स्लैब अवलांच, पाउडर स्नो अवलांच एंड ग्लेशियर अवलांच। ये देखो कुछ अवलांचेस के अपने पास फोटोज हैं, ये देखो दिख रहा है आपको ये पूरी स्लैब हो गई, पूरा स्लैब ही गिर गया, ठीक है। और ये देखो एक पॉइंट से स्टार्ट हुआ था और ये फैलता फैलता है पूरी तरह से आ गया। ये कोई ऐसे कोई फ्रेश डैम्प जो है वो स्नो दिख रही है, ओके। और ये लग रहा है बहुत ऊंचाई से फोटो ली गई है, ये 200 मीटर्स लंबा आपको दिख रहा है, ये देखो मैं दिखाऊं, ये देखिए मतलब ये इसका लेंथ देखो आप 200 मीटर्स लिख रखा है इन लोगों ने, मतलब 200 मीटर तक मतलब बचने का कोई गुंजाइश ही नहीं है, अगर यहां पर कोई हो गया तो पूरी तरह से दब जाएगा। अब ये क्या है, ऊपर से जो स्नो आई है वो ये यहां पर जाकर डिपॉजिट हो गई, ठीक है। तो इस तरह से अवलांचेस जो है डेंजरस होते हैं। नाउ इंपैक्ट्स क्या होते हैं इसके, इंपैक्ट्स तो पता ही है क्या होंगे। पहला तो क्या होगा, इन्वायरमेंटल इंपैक्ट क्या होंगे, जो भी ट्रीज और वेजिटेशन बीच में आएगी सारी की सारी उखड़ के ले जाएगी, या वो दब जाएगी तो वो वैसे डेड हो जाएगा, और कोई वाइल्ड लाइफ था उसको अफेक्ट करेगी। सेकेंड इज ह्यूमन, अगर हम उसके बीच में आएंगे तो हमारी फैटलिटीज होगी, इंजरीज होंगी,
स्पेशली जो कि स्काई और माउंटेन ट्रैकिंग के लिए जाते हैं उनके लिए डेंजरस हो जाता है, ठीक है। और ऐसी जगह आ गया जहां पर पॉपुलेशन रहती है, होम्स प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर वो भी डैमेज करती है। नाउ एक केस स्टडी लेते हैं, मोंट्रोक एवलांच फ्रांस के अंदर हुआ था 1999 के अंदर। ये मोंट्रोक का ही एक फोटो है आपके सामने, मोंट्रोक कहां है, मोंट्रोक एल्प्स माउंटेन के अंदर है, और मोंट्रोक जो टाउन है उसको हिट किया था एवलांच के अंदर, एवलांच ने। तो इसका नाम मोंट्रोक एवलांच इसलिए रखा गया है कि मोंट्रोक गांव के अंदर, मोंट्रोक विलेज के अंदर आया था और 12 लोगों की डेथ हो गई थी। और ये हुआ क्यों था लैंडस्लाइड, द लैंडस्लाइड वाज कॉज्ड बाय अनयूजुअल हैवी स्नोफॉल एंड वाज द डेडलीस्ट एवलांचेस इन द फ्रेंच हिस्ट्री एट द टाइम। उस टाइम पे हुआ क्यों, क्योंकि स्नोफॉल पहले से स्नो थी और अनयूजुअल कुछ ज्यादा ही स्नोफॉल हो गई तो वहां टिक नहीं पाई, और वो सारी की सारी अब वो तो खुद तो बहेगी, जो नई जो डैम्प थी, नया स्नो था वो तो जाएगा ही जाएगा, और हैवी स्नोफॉल की वजह से वो भारी हो गया और नीचे की जो जो लेयर्स थी वो लाइट हो गई और उसको भी वो बहा के ले गई। तो ये डबल एक तरह से जो है डबल प्रॉब्लम क्रिएट हो कर दी इसने, ठीक है। और एक अपना इधर आया था नेपाल में, एवरेस्ट एवलांश कब आया था, 2014 के अंदर आया था, 16 नेपालीज गाइड वर किल्ड, 16 वेरी बिग नंबर्स। कहां हुआ था, खुम्बू के अंदर हुआ था, और माउंटेन की हिस्ट्री में सबसे डेडलीस्ट अटैक था। और इससे ये पता चलता है कि ये जो नेपाल के जो गाइड्स होते हैं, जो वहां गाइड्स होते हैं, वो कितने ज्यादा रिस्क लेते हैं, जो है मतलब गाइड की डेथ हुई है, गाइड्स की, नेपाली गाइड्स, मतलब वहां पर जो हेल्प करते हैं, जो माउंटेन ट्रैकिंग के लिए जो लोग जाते हैं उनकी हेल्प करने के लिए जो लोग होते हैं उनको शेरपा कहते हैं। क्या कहते हैं, शेरपास। तो शेरपास जो है अपनी लाइफ किस तरह से रिस्क में डालकर माउंटेनर्स की हेल्प करते हैं ये दर्शाता है। ये रूट था, ये रूट था, और इस तरह से एवलांच हो गया और यहां बॉडीज पाई गई इस तरह से, ठीक है। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो एवलांच से बचा कैसे जा सकता है, एवलांच फोरकास्टिंग, सबसे पहले तो एवलांच की फोरकास्टिंग होनी चाहिए, मतलब इसके अंदर जो स्नोपैक अगर स्टेबिलिटी उसमें प्रॉब्लम आई है तो आवर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से हम लोगों को एसेस करना चाहिए कि किस तरह से जो है एवलांच किस जगह में आ सकता है। सेकेंड इज कंट्रोल्ड एवलांचेस, मतलब ये ऐसे एवलांचेस हैं कि बड़ा एवलांच ना हो उसकी वजह से हम लोग मतलब मेथड्स यूज करके छोटे छोटे एवलांचेस में हम लोग खुद ब्लास्ट करके या कुछ और रीजन से हम एवलांचेस जानबूझ के करवाते हैं कि बड़ा एवलांच ना हो, ठीक है। थर्ड इज एवलांच डिफेंस स्ट्रक्चर, जैसे कि स्नो नेट्स। ये क्या है, ये किसका एग्जांपल है, स्नो नेट्स दिख रही है आपको, ये दीज आर स्नो नेट्स, एवलांचेस को रोकने के लिए है। दूसरा है स्नो फेंसेस, ये देखो ये दिख रही है, दीज आर द स्नो फेंसेस, ये देखो फेंस लगाइएगी, एक तरह से दीवार टाइप है कि एवलांच है वो इसी को टच कर दे, इसी इन्हीं को टच कर दे, इससे स्पीड उसकी कम हो जाए, ठीक है। इनको बोलते हैं स्नो फेंसेस। नाउ देन कम्स द एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, दैट द लास्ट स्टेप, कि जो भी माउंटेन ट्रेवलर्स होते हैं उन्हें रिस्क के बारे में बताया जाए, और अगर वो मान लो फंस गए हैं तो किस तरह से उसको डील करना है, बीकन्स को यूज करना, शॉबल्स को यूज करना एंड प्रोब्स को यूज करना, ठीक है। तो दिस वॉज एवलांच, तो एवलांचेस, वोल्केनोज एंड लैंडस्लाइड्स, तो हमने ये कवर कर लिया है। आई होप यू लाइक दिस सेशन, आपको प्रोडक्टिव लगा होगा कि किस तरह से जो है एवलांचेस आते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं, ये इसमें से पूछे जा सकते हैं कि स्पीड क्या होगी, जैसे स्लैब एवलांचेस होते हैं वो देखो फ्रेश जो स्नो होती है, और ये है ओल्ड डेंस, ये होती है फ्रेश जो कि स्लैब्स के अंदर जो फ्रेश स्नो होती है वो स्काइंग की वजह से ब्रेकडाउन हो जाती है, स्लैब्स के अंदर वो ब्रेकडाउन होकर वो फैल सकती है।
सेकेंड वॉज पाउडर स्नो जो कि विंड के द्वारा वो जो स्नो है वो पाउडर फॉर्म में उड़ती है वो उस तरह से. ओल्ड स्नो वो तो डेंस है, ये वाली जो पाउडर स्नो होती है सॉफ्ट स्नो होती है वो लेस डेंस होती है तो उसके पार्टिकल्स इधर उधर उड़ते रहते हैं. थर्ड इज ग्लेशियर एवलांस, उसमें ग्लेशियर ही टूट जाता है. तो ये तीन तरह के एवलांस है, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपको. तो अब कॉजेस में पूछा जा सकता है, आपको केस स्टडी में से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि मोनट्रॉक जो एवलांच है उसका कहां हुआ था, है ना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट एवलांचेस हैं हिस्ट्री के अंदर. तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और इसका पीडीएफ चाहिए तो मैं बता चुका हूं आपको कहां पर अवेलेबल होगा. और ट्राई अवर न्यू एप्लीकेशन ऑल्सो, एंड ये जो सीरीज चल रही है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही जरूरी है. इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको इसका पीडीएफ एप्लीकेशन में मिल जाएगा और या फिर टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा. तो आप जरूर इसको जाकर लीजिए. नेक्स्ट इसी इस सीरीज को हम लोग कंटिन्यू रखेंगे. अब हम लोग क्या कर रहे थे, इतने दिन जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ रहे थे, अब हम जो नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा वो आइदर हम लोग क्लाइमेटोलॉजी ले लेंगे उसके अंदर क्लाइमेट के बारे में, या फिर हम लोग ओशनोग्राफी को कंटिन्यू करेंगे. तो इस तरह से जो जितने भी यूनिट्स हैं हमारी ज्योग्राफी की वो सारी हम लोग कवर करेंगे. और जो स्टूडेंट इसको रिलीजियसली फॉलो करेगा उसका नेट पक्का होना तय है, इस तरह से कर लोगे तो. ओके ना, चलिए तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. टेक केयर, बाय बाय.